हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आप इस हजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच अजीब और अचंभी रीति से कार्य करता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समंदर को दो भाग कर दिया, जिसने दानियल को शेरों की माद में जाने से बचाया, जिसने दाऊद को कभी भी हारने ना दिया। उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। हमारा विश्वास है कि आप इस हजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। जो मसा, जो दर्शन, जो अभिषेक परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता के ऊपर है, अगर अपने परिवार के जीवन को और अपने आसपास के जीवनों को बदलता हुआ देखेंगे। परमेश्वर की हजूरी, उसकी प्रेजेंस, उसकी सामर्थ यहाँ मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। आमीन। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। द्वारा जीवन, जैसा कि रोमियो 10 की 10 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और आशीषित जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको अपने मुंह से अंगीकार करना होगा। जिस प्रकार हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, अगर आप अपने जीवन में उद्धार पाना चाहते हैं, तो आपको अपने मुंह से अंगीकार करना होगा। जिस प्रकार हम बाइबल में चुंगी लेने वाले जक्कई के बारे में पढ़ते हैं कि जब जक्कई ने अपने पापों को मान लिया और कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, तो यह देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे जक्कई के अंगीकार करने से उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में जक्कई की तरह उद्धार पाना चाहते हैं, तो आपको अपने गुनाहों का अंगीकार करना होगा। आपको परमेश्वर के साथ वफादारी से चलना होगा और अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करना होगा। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताना चाहते हैं, तो आप अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ पवित्र बनाएं और परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करें और उसकी विधियों पर चलें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, अपना ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएं और अपने मुंह से अपने विषय में परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करें। आज लोग परमेश्वर से इसलिए दूर हैं क्योंकि वह नकारात्मक सोचते और अंगीकार करते हैं और फिर वैसा ही फल उनके सामने आता है। इसलिए उनकी जिंदगी में अशांति है और वे दुखी रहते हैं। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, तो उसमें लिखा है कि तुम्हारे मुंह में जीवन और मौत है। जैसा आप अपने लिए अंगीकार करते हैं, आपके साथ वैसा ही होता है। अगर आप अच्छा अंगीकार करते हैं, तो आपको अच्छा परिणाम मिलता है, और अगर आप गलत अंगीकार करते हैं, तो आपको बुरा परिणाम मिलता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा अपने जीवन के लिए सही शब्दों का अंगीकार करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंध जाएगा और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सही शब्दों का अंगीकार करके अपने लिए आशीष के रास्तों को खोलें, ताकि आप आशीषित जीवन जी सकें। आमीन। क्या आप जानते हैं, पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे, तो उन्होंने अपनी बंधुआई में परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी, और इसी कारण परमेश्वर ने
एक बड़े भूकंप के साथ बंदी गृह को हिला दिया और उन्हें आजाद किया। तो आइए हम दिल से नाचते हुए उसकी आराधना में चलते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के गीत गाओ, उसके नाम के भजन गाओ, उसका धन्यवाद करो, दस्तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। तो आइए हम अपने हाथों को उठाकर उस महान परमेश्वर की आराधना में चलते हैं। तारीफ करें सज्जन, जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं। जितने जन ब्रांचेस में, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जहां पर आकर आपका जीवन जो है, आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहती। आज आप परमेश्वर के घर में है, परमेश्वर की हजूरी में है। जितने जन इस समय ब्रांचेस में बैठे हैं या आप ऑनलाइन देख रहे हैं पूरे इंडिया से या अदर स्टेट से या बाहर के देशों से, तो आज जब आपने वचन को सुनना है, वर्शिप को करना है आत्मा में रहते हुए, ताकि परमेश्वर आपको छू सके, परमेश्वर आपको छुड़ा सके, एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथ को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले और सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें अपने मिरेकल्स के लिए, अपने डिलीवरेंस के लिए जो खुदा आज आपके जीवन में देने वाला है। हालेलुया। आज सुबह की मीटिंग में जो परमेश्वर के दास को द्वारा जिन्होंने प्रचार किया, जो बताया कि कैसे हमें वर्शिप करनी है, कि आराधना करने का महत्व क्या है और आराधना करनी किस तरीके से है, कैसे आपने आराधना करनी है, किस मनसा से करनी है, कौन सा टाइम कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, परमेश्वर के दास ने आज ब्रीफली जो आज के जो सर्मन है, आप मॉर्निंग मीटिंग चेक कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, आपने दोबारा उसका सर्मन जो है आपने सुनना है, ताकि आपको समझ आए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या प्लानिंग है, क्या योजना है। जब आप सुनेंगे परमेश्वर के दास के द्वारा उन वर्ड्स को, तो आपको समझ आएगी कि हमें वर्शिप कैसे करनी चाहिए और वर्शिप की क्या महत्ता है हमारे जीवन में। जब हम ये समझ जाते हैं कि वर्शिप का रोल क्या है हमारे जीवन में, तब आप अपनी डिलीवरेंस को पाते हैं। बाइबल में लिखा, जब पौलुस और सिलास ने आराधना करी, उस समय आराधना की उन्होंने जब वो काट में ठोके गए थे, उस समय आराधना की जब वो बंधुआई में थे, जब वो पकड़े गए थे, जब वो सजा के नीचे थे, गुलामी के नीचे थे, जेल के अंदर थे, बाइबल में लिखा उस समय उन्होंने आराधना की। ये नहीं कि उन्होंने पहले आराम चाहा कि हम इससे फ्री हो जाएं, आराम से घर पे बैठेंगे, रूम बंद करेंगे, तब आराधना करेंगे। डिलीवरेंस लेने से पहले ही उन्होंने आराधना की। ये नहीं कि पहले डिलीवरेंस ली, आजाद हो गए, उसके बाद वो वर्शिप करें। बाइबल में लिखा कि वो पहले उन्होंने आराधना की और उनकी की गई आराधना के द्वारा ही उनके बंधन जो है वो तोड़े गए। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बंधनों के नीचे हैं। हो सकता है आप बीमारी के श्राप के नीचे हैं, हो सकता है आप गरीबी के श्राप के नीचे, हो सकता है आप फेलियर के श्राप के नीचे हैं, आप डिप्रेशन के श्राप के नीचे हैं, हो सकता है ऐसे श्राप जो सालों से, जो सदियों से, आपके पीढ़ियों से आपको फॉलो करते हैं। जब आप वर्शिप करते हैं, आपके बंधन टूटते हैं, आप अपने बंधनों से आजाद होते हैं, उन श्रापों से आजाद होते हैं। तो आज जब आप आराधना करें, तो दिल खोल के, नाच के, झूम के, आत्मा में पूरे फेथ के साथ इस तरीके से आराधना करें कि आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है, आज आपकी गवाही का दिन है। तो तैयार रहें, हमारा बिलीव है कि आज आप छूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नामे। और आज मॉर्निंग मीटिंग में इतने मिरेकल्स, हीलिंग्स, डिलीवरेंस जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन में की, अद्भुत रीति के साथ परमेश्वर ने लोगों को हील किया, व्हील चेयर से लोग उठे, डेथ बेड से उठे, जिनको बेबीज नहीं थे जिनके पास, खुदा ने उनको बेबीज के साथ ब्लेस किया। ऐसी गवाहियों को हमने मॉर्निंग लोगों के जीवन में सुना जो हमारे फेथ को बूस्ट करती है। वो बढ़ाती नहीं, वो बूस्ट करती है। और जब फेथ बढ़ता है तो मिरेकल जल्दी आपके पास आता है। तो आज अपने फेथ को बढ़ाएं। अगर आपका ये भरोसा है कि परमेश्वर मुझे डिलीवर कर सकता है, तो ही आप डिलीवर हो सकते हैं। अगर आपका बिलीव है कि परमेश्वर आज मुझे चंगा कर सकता है, तो ही वो आपको चंगा कर सकता है। जैसा आपका विश्वास है, वैसा ही आपके साथ होगा। तो आज अपने विश्वास को बढ़ाएं कि जब आज परमेश्वर तेरा दास, तेरी दासी जब हमारे बीच में आए फायर प्रेयर के दौरान, प्रीच के दौरान, तो हमारी जिंदगी जो है वो छूट सके। उसको रिसीव करने से पहले आपको वर्शिप करनी है। अगर आप डिलीवरेंस को लेना चाहते हैं, उससे पहले आराधना करो, उससे पहले वर्शिप करो। आपको समझ आनी चाहिए। और हमने बहुत बार ये देखा है कि फॉरेन में जब लोग वर्शिप करते हैं, तो वो शर्माते हैं अपने पड़ोसी से कि उनका पड़ोसी क्या कह रहा है। वो झिझकते हैं कि उसका, उसकी साथ खड़ा है, उसका भाई उसको देख रहा है, उसकी मम्मी उसको देख रही है, उसका डैडी उसको देख रहा है। तो जब आपने वर्शिप करनी है, तो इस तरीके से करनी है। बाइबल में कहा, जब दाऊद नाचता था तो उसके तन से कपड़े उतर जाते थे। कई बार इतना वो मगन, इतना लीन होकर खुदा के लिए नाचता था, वो झूम के, उछल उछल के खुदा के लिए नाचता था, उसको परवाह नहीं थी। इसीलिए वो राजा ऐसा है जो आज तक कोई लड़ाई हारा नहीं है। हर लड़ाई में उसने जीत को हासिल किया, हर चीज में उसने विक्ट्री को पाया। तो आज वर्शिप के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, बोले परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आपकी पवित्र हुजूरी के लिए।
आज खुदावन तेरा आत्मा मुझे छुए, आज खुदावन जितने बंधन है बीमारियों के, दुष्ट आत्माओं के, श्रापों के, वो टूट जाएं। मैं तैयार हूँ तेरी आराधना करने के लिए, मैं तैयार हूँ तेरी सेवा करने के लिए। खुदावन आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर, मैं तैयार हूँ तेरे नाम को आगे लेके जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और सब वर्षिप में जाएंगे। सुन ले फरियाद मेरी, माफ कर रहम कर। सुन ले फरियाद मेरी, माफ कर रहम कर। इल्तिजा है यही, माफ कर रहम कर। इल्तिजा है यही, माफ कर रहम कर। ए खुदा सुन ले सदा मेरी बातों पे कान लगा। बख्श दे हर एक कथा, अपना चेहरा न मुझसे छिपा। तू सहारा मेरा, तू मेरा आसरा, तू कफारा मेरा, तू मसीहा मेरा। सांसों का तू रखवाला, राहों का तू है उजाला। सांसों का तू रखवाला, राहों का तू है उजाला। कर दे करम ए खुदा, सुन ले फरियाद मेरी, माफ कर रहे इल्तिजा यही, माफ कर रहम कर। मानते हैं सभी अपनी कमजोरियां, मानते हैं सभी अपनी कमजोरियां। कर मदद है खुदा, दे दे शहजोरियां। मदद है खुदा, दे दे शहजोरियां। बारिश रहम की कर दे, छांव फजल की कर दे। बारिश रहम की कर दे, छांव फजल की कर दे। कदमों में सुन ले फरियाद मेरी, माफ कर रहे इल्तिजा है यही, इल्तिजा यही, माफ कर रहे। ऑनलाइन ब्रांचेस जितनी भी हमारे साथ आज अटैच हैं, कनाडा ब्रांचेस, अमेरिका ब्रांचेस, यूके में जितनी भी ब्रांचेस है, सभी ब्रांचेस आज अपने हार्ट को, अपने दिल को खोल दें उस परमेश्वर के लिए। अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने हाथों को उठा लें उस जीवित परमेश्वर की आराधना में, क्योंकि आराधना आपके बंधनों को तोड़ती है। आज आपने रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करनी है। अपने जीवन में उस परमेश्वर को इनवाइट करना है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है,
वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। आज वो आपके ऊपर दया करेगा, वो आपको माफ करेगा, वो आपको छुड़ाएगा और आप एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। अपने हाथों को उठाए, अपनी आंखों को बंद करें। सुन ले फरियाद मेरी, माफ कर रहम कर। 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 इल्तिजा है यही, माफ कर रहम कर। इल्तिजा फिर से दिल तुझा है यही, माफ कर रहे मगर। दिल तुझा है यही, माफ कर रहे मगर। ऐ खुदा सुन ले सदा मेरी बातों पे कान लगा। अपना चेहरा न मुझ से छुपा। माफ कर रहम कर, माफ कर रहम कर, माफ कर रहम कर, माफ कर रहम। सहारा मेरा तू मेरा आसरा, तू सहारा मेरा तू मेरा आसरा। तू सहारा मेरा तू मेरा आसरा। तू सहारा मेरा तू मेरा आसरा। अपने हाथों को उठाते हुए कहें उस परमेश्वर से, कहे परमेश्वर तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा आसरा है। खुदावन तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है। खुदावन आज मैं तेरे सामने आता हूं, आज मैं तेरे आगे झुकता हूं। खुदावन अपने दिल को तेरे सामने खोलता हूं। खुदावन आज मुझे छू ले, आज मुझे माफ कर खुदावन, और मुझे अपनी हजूरी से भर दे। खुदावन अपने हाथ को उठाए। तू सहारा मेरा तू मेरा आसरा। तू कफारा मेरा तू मसीहा मेरा। तू कफारा मेरा तू मसीहा मेरा। तू कफारा मेरा तू मसीहा मेरा। सांसों का तू रखवाला, राहों का तू ही उजाला। सांसों का तू रखवाला, राहों का तू ही उजाला। सांसों का तू रखवाला, राहों का तू ही उजाला।
वाला राहों का तू ही उजाला कर दे करम ए खुदा सुन ले फरियाद मेरी बाप कर रहम कर सुन ले फरियाद मेरी बाप कर रहम कर इल्तिजा है यही बाप कर रहम कर इल्तिजा है यही यस यस बाप कर रहम कर हां सुन ले फरियाद मेरी बाप कर रहम कर इल्तिजा है यही माफ कर रहे बकर इल्तिजा है यही माफ कर रहे बकर माफ कर रहे बकर माफ कर रहे बकर माफ कर रहे माफ कर देने बकर माफ कर देने बकर माफ कर रहे बकर माफ कर रहे बकर सभी अपनी कमजोरियां मानते हैं सभी अपनी कमजोरियां मानते हैं सभी अपनी कमजोरियां मानते हैं सभी अपनी कमजोरियां कर मदद है खुदा दे दे शहजोरियां कर मदद कर मदद है खुदा दे दे शहजोरियां बारिश रहम की कर दे छां फजल की कर दे बारिश रहम की कर दे छां फजल की कर दे कदमों में तेरे झुका सुन ले फरियाद मेरी माफ कर रहम कर सुन ले फरियाद मेरी माफ कर रहम कर हाँ इल्तिजा है यही माफ कर रहम कर कहिए इल्तिजा है यही माफ कर रहम कर हाँ सुन ले फरियाद मेरी माफ कर रहम कर सुन ले फरियाद मेरी माफ कर रहम कर इल्तिजा है यही माफ कर रहम कर इल्तिजा है यही माफ कर रहम कर ऐ खुदा सुन ले सदा मेरी बातों पे लगा खुदा सुन ले सदा मेरी बातों पे कान लगा बख्श दे हर एक खता अपना चेहरा न मुझ से छिपा बख्श दे अपना चेहरा मुझसे छुपा हाँ सुन ले फरियाद मेरी माफ कर रहम कर सुन ले फरियाद मेरी माफ कर रहम कर हाँ इल्तिजा है यही माफ कर रहम कर इल्तिजा
सहारा मेरा तू मेरा आसरा तू 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 कफारा मेरा तू मसीहा मेरा कफारा मेरा तू मसीहा मेरा तू कफारा मेरा तू मसीहा मेरा सांसों का तू रखवाला राहों का तू ही उजाला सांसों का तू रखवाला राहों का तू ही उजाला कर दे कलम सुन ले फरियाद मेरी पाप कर रहे मगर कहिए सुन ले फरियाद मेरी पाप कर रहे मेरी बातों पे कान लगा बख्श दे हर एक खता अपना चेहरा न मुझ से छुपा हरे कथा अपना चेहरा मुझसे छुपा सुन ले फरियाद मेरी पाप कर रहम कर सुन ले फरियाद मेरी पाप कर रहम कर इल्तिजा है यही पाप कर रहम कर सुन ले फरियाद मेरी पाप कर रहे हैं मगर कहिए सुन ले यस यस रू से इसके राजा करे अंत जा है यही पाप कर रहे हैं मगर पाप कर रहे हैं मगर पाप कर रहे हैं माफ कर रहे हैं मगर 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 माफ कर रहे हैं यस यस कहिए कहिए
सुन ले फरियाद मेरी माफ कर रहम कर, सुन ले फरियाद मेरी माफ कर रहम कर, हाँ सुन ले फरियाद मेरी माफ कर रहम कर, सुन ले फरियाद मेरी माफ कर रहम कर, इल्तिजा है यही माफ कर रहम कर, सुन ले फरियाद मेरी माफ कर रहम कर, सुन ले फरियाद मेरी माफ कर रहम कर, इल्तिजा है यही माफ कर रहम कर, खुदा सुन ले सदा मेरी बातों पे कान लगा, खुदा सुन ले सदा मेरी बातों पे कान लगा, आ बख्श दे हर एक खता अपना चेहरा न मुझ से छिपा, बख्श दे हर एक खता अपना चेहरा न मुझ अपना चेहरा न मुझ से छुपा, सुन ले फरियाद मेरी माफ कर रहम कर, सुन ले फरियाद मेरी माफ कर रहम कर, इल्तिजा है यही 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 माफ कर रहम कर, इल्तिजा है फरियाद मेरी माफ कर रहम कर, सुन ले 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 फरियाद मेरी माफ कर रहम कर, फरियाद मेरी माफ कर रहम कर, सुन ले फरियाद मेरी माफ कर रहम कर, सुन ले फरियाद मेरी माफ कर रहम कर, मानते हैं सभी अपनी कमजोरियां, मानते हैं सभी अपनी कमजोरियां, कर मदद खुदा दे दे शहजोरियां, कर मदद खुदा दे दे शहजोरियां, बारिश रहम की कर दे छाँव फजल की कर दे, बारिश रहम की कर दे छाँव फजल की कर दे, कदमों में तेरे मुँह झुका सुन
फरियाद कहे उस परमेश्वर से माफ कर रहे कहे परमेश्वर आज मेरी फरियाद को सुन ले खुदावन आज मेरी प्रार्थना को सुन ले खुदावन मेरे ऊपर अपना रहम कर खुदावन सुन ले फरियाद मेरी माफ कर रहम कर इल्तिजा है यही माफ कर रहम कर ऐ खुदा सुन ले सदा मेरी बातों पे कान लगा दिल से सबसे खुदा सुन ले सदा मेरी बातों पे कान लगा बख्श दे हर एक खता अपना चेहरा न मुझसे छिपा बख्श दे हर एक खता हर एक खता अपना चेहरा न मुझसे छिपा तू सहारा मेरा तू मेरा सिरा तू सहारा मेरा तू मेरा सिरा तू कफारा मेरा तू मसीहा मेरा तू कफारा मेरा तू मसीहा मेरा सांसों का तू रखवाला राहों का तू है उजाला सांसों का तू रखवाला राहों का तू ही उजाला कर दे करम ए खुदा सुन ले फरियाद मेरी माफ कर रहम कर माफ कर रहम कर इल्तिजा इल्तिजा का मतलब है प्रार्थना माफ कर रहम कर इल्तिजा माफ कर रहम कर इल्तिजा है यही माफ कर रहम कर तारीफ करे जोर से अपने हाथों को उठा के उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे जोर से परमेश्वर की तारीफ करे आया तेरे दर पे मेरी फरियाद को सुन आया तेरे दर पे मैं मेरी फरियाद को सुन मुझे थाम ले यीशु मुझको बदल दे मेरे यीशु पाक तू कर दे मेरे यीशु आया तेरे दर पे मैं मेरी फरियाद को सुन आया तेरे दर पे मैं मेरी फरियाद को सुन आया तेरे दर पे मैं मेरी फरियाद को सुन आया तेरे दर पे मैं मेरी फरियाद को सुन मुझे थाम ले यीशु मुझको बदल दे
तेरे यीशु पाक तू कर दे तेरे यीशु मुझको बदल दे मेरे यीशु पाक तू कर दे मुझको यीशु यहां तक हिला के मुझको बदल दे तेरे यीशु बात तू कर दे मुझको यीशु मुझको बदल दे तेरे यीशु बात तू कर दे मुझको यीशु अपने हाथों को सबसे कुछ है तेरी पना में रहूंगा तू ही मेरा जीवन है तू ही मेरा सब कुछ है तेरी पना में रहूंगा बोले फिर से तुझको ही चाहूं मैं तुझको ही पूजूं मैं सब कुछ है तेरी पना में रहूंगा तू ही मेरा जीवन है तू ही मेरा सब कुछ है तेरी पना में रहूंगा आने के साथ बोले आया तेरे दर पे मैं तेरी फरियाद को सुन मुझे थाम ले यीशु मुझको बदल दे मेरे यीशु पाक तू कर दे मुझको यीशु मुझको बदल दे मेरे यीशु पाक तू कर
मुझको बदल दे मेरे यीशु, पाक तू कर दे मुझको यीशु, मुझको बदल, मुझको बदल दे मेरे यीशु, पाक तू कर दे मुझको यीशु। अपने हाथों को उठाए सर की ओर सब जन, सभी ऑनलाइन ब्रांचेस, हर एक जन, सभी बहनें, सभी भाई, के परमेश्वर से खुदावन तू मुझे छू, मेरे परमेश्वर तू मेरी रूह को छू, मेरी सोचों को छू, मेरे ख्यालों को छू, मेरे परमेश्वर मेरी सोचों को बदल दे मेरे परमेश्वर, कि मैं सदा तेरी ओर दौड़ने पाऊं मेरे परमेश्वर। मेरा मन, मेरी ये जिस्म, मेरा ये जान खुदावन तेरी ओर लगा रहे मेरे परमेश्वर। मेरी आत्मा सदा सर्वदा तेरे ही गीत गाती रहे मेरे खुदा। मैं अपनी सभी खताओं को मानता हूं मेरे परमेश्वर, और तेरी इस पाक पवित्र हजूरी में उन तमाम गुनाहों को फिर से ना दोहराने का वायदा करता हूं मेरे परमेश्वर। तू मुझे माफ कर मेरे परमेश्वर, तू मुझे माफी देने वाला परमेश्वर है खुदा। तू मुझसे अपने चेहरे को ना छुपा मेरे परमेश्वर, तू मेरी हर एक इल्तिजा को सुन ले मेरे परमेश्वर। आज मैं तेरी हजूरी में आया हूं, आई हूं मेरे खुदावन, तू मुझे कबूल कर मेरे परमेश्वर, मुझे अपने सीने से लगा खुदावन, मुझे अपने गले से लगा मेरे परमेश्वर। आया हूं लौट के मैं तेरे कदमों में यीशु, हाथों में अपने उठा ले। आया हूं लौट के मैं तेरे कदमों में यीशु, हाथों से तुझको मैं क्या गुना, तुझको मैं सीने से अपने लगा ले। छोड़ू ना तुझको मैं क्या गुना, तुझको मैं सीने से अपने लगा ले। वो आया तेरे दर पे मैं, मेरी फरियाद को सुन। आई तेरे दर पे मैं, मेरी फरियाद को सुन। आई तेरे दर पे मैं, मेरी फरियाद को सुन। मुझे थाम ले यीशु, मुझको बदल दे तेरे यीशु। गाइए, पाक तू कर मुझको बदल, मुझको बदल दे मेरे यीशु, पाक तू कर दे मुझको यीशु।
खुद को मैं देता हूँ तेरे हाथों में यीशु, चाहे तू जैसा बना ले। खुद को मैं देता हूँ तेरे हाथों में यीशु, चाहे तू जैसा बना ले। उठा के अपने हाथों को, मेरे गुनाहों से, मेरी खताओं से मुझको तू छुड़ा ले। मेरे गुनाहों से, मेरी खताओं से यीशु तू छुड़ा ले, मुझको यीशु तू छुड़ा ले। आया तेरे दर पे मैं, मेरी फरियाद को सुन। आया तेरे दर पे मैं, मेरी फरियाद को सुन। मुझको बदल ले तेरे यीशु, बात तू कर दे मुझको यीशु, मुझको बदल, मुझको बदल ले तेरे यीशु, बात तू कर दे तेरे को यीशु। इसे कहा क्रिश्चियन, मुझको बदल दे मेरे यीशु, तू कर दे मुझको यीशु, मुझको बदल दे तेरे यीशु, पाक तू कर दे मुझको यीशु। अपने हाथों को हिलाएं सभी ऑनलाइन ब्रांचेस, हर एक ब्रांच को बदल दे
मुझको बदल दे यीशु, मुझको बदल, पाक तू कर, पाक तू कर, मुझको यीशु, मुझको बदल, मुझको बदल, मुझको बदल, यीशु, पाक तू कर, पाक तू कर, मुझको बदल, मुझको यीशु, मुझको बदल, मुझको बदल, मुझको बदल, यीशु, मुझको बदल, पाक तू कर, पाक तू कर, पाक तू कर, मुझको बदल, पाक तू कर, मेरे यीशु, मुझको बदल, पाक तू कर, पाक तू कर, मुझको यीशु, पाक तू कर, मुझको बदल दे मेरे यीशु, पाक तू कर। मुझको यीशु जीवन है तो रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू रास्ता तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। मैं तेरा वादा छोड़ूंगा ना फिर, तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। इना साहानू चलौंदा मेरे सारे दर्द बंडौंदा है, सानू चलौंदा है, मेरे सारे दर्द बंडौंदा है। जद कदी भी दिल दुखदा तू सुनदा मेरी है, जद कदी भी दिल दुखदा तू सुनदा मेरी है। तेरी दया बथेरी है, तेरी दया बथेरी है, तेरी दया बथेरी है, तेरी दया बथेरी है। हाँ जदों तेरे आसरे टिकदा हां, मैं हारियां बाजियां जितदा हां, बाजियां जितदा, मैं हारियां बाजियां जितदा, मैं हारियां बाजियां जितदा। तू मंगणो पहला दे देंदा है, ए आदत तेरी है, तू मंगणो पहला दे देंदा है, आदत तेरी है। तेरी दया बथेरी है, हां ऐनी दया बथेरी।
जैसे कि पहला शमूएल 1:17 में लिखा है, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। सचमुच परमेश्वर आज भी उसी रीति से अपने दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा कार्य कर रहे हैं और इसी तरह परमेश्वर ने इन्हें बेटे के साथ आशीषित किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रामप्रीत है और ये मेरी वाइफ रीता है। हम फगवाड़ा के रहने वाले हैं। आज हम अपने जीवन की बहुत ही अद्भुत गवाही को देने जा रहे हैं। 2012 में हमारी मैरिज हुई। हमने फिर बेबी का ट्राई किया तो हमारे 2013 में बेबी बॉय हुआ हमारे। उसके बाद मेरी वाइफ जो बीमार रहने लगी, वॉमिटिंग इनको काफ़ी होने लगी, हार्ट में भी पेन होने लगी। फिर हम हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास गए, उन्होंने इनकी हार्ट की स्कैनिंग की, इको स्कैनिंग। तो उसमें हमें पता लगा कि इनके हार्ट में प्रॉब्लम यानी कि वॉल लीक हो गए इनके हार्ट के। तो उन्होंने बताया कि इसका हल सिर्फ ऑपरेट है। तब मैंने अपनी वाइफ का हार्ट का ऑपरेट करवाया, जो ओपन हार्ट सर्जरी थी। तो हमें उस टाइम डॉक्टर ने बताया कि आप अब कोई बेबी कंसीव नहीं कर सकते हैं, बेबी के लिए ट्राई नहीं कर सकते हैं। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने कहा कि आप सेकेंड बेबी नहीं कर सकते। फिर मन में ये आ रहा था कि करना है सेकेंड बेबी। 2021 में दोबारा प्रेगनेंट हुए। फिर उसके बाद में 2 महीने बाद मुझे ब्लीडिंग होने लगा। जब मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो मैं डर गई। फिर उसके बाद में मैं फ़ोन की अपने हस्बैंड को। जब मेरी वाइफ को ब्लीडिंग होने लगी तो उसी टाइम मेरी वाइफ ने मेरे पास फ़ोन किया और मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो फिर मैंने इसको बोला कि आप जो पास में डॉक्टर है उसके पास चले जाओ। तो जब ये उसके पास गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने इनको यानी कि रेस्ट करने के लिए बोला और स्कैनिंग लिख दी कि आप मॉर्निंग में स्कैनिंग करा के हमारे पास आएँ। जब हमें डॉक्टर ने स्कैनिंग के बारे में बताया और यानी कि वाइफ को बेड रेस्ट के लिए कम्प्लीटली बेड रेस्ट के लिए बोला, तो हम यानी कि घबरा गए थे उस टाइम पे। पर हम हमारा फेथ प्रभु पे था। हम अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे काफ़ी टाइम से, तो हमें यानी कि विश्वास था कि जो प्रभु ने हमें दिया है वो प्रभु की ओर से है। तो हमारा फेथ भी था कि हम यानी कि ये चीज़ हमारी लाइफ से यानी कि कोई चुरा नहीं सकता है। तो फिर हमने सेम नाइट प्रेयर टावर से भी प्रार्थना करवाई और हमारे पास अनॉइंटिंग ऑयल पड़ा था जो मैंने अपनी वाइफ को दिया, उन्होंने अपने यानी कि पेट पे लगाया। और सेम नाइट हमारे सपने में परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर नरूला जी हमारे सपने में आए और उन्होंने हमें वर्ड दिए कि डोंट वरी, जो गवाही प्रभु आपको दे रहा है उसे कोई भी शैतान की ताकत आपसे चुरा नहीं सकता है। जब हम सुबेरे उठे तो मेरी वाइफ ने मुझसे एक विज़न शेयर किया और उन्होंने बताया कि रात को परमेश्वर के दास मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे वर्ड दिए कि डोंट वरी। और मैंने भी अपना मुझे भी सेम नाइट को ड्रीम आया था परमेश्वर के दास का, और मैंने भी अपना ड्रीम अपनी वाइफ के साथ शेयर किया कि मुझे भी परमेश्वर के दास ने मुझे भी सेम वर्ड दिए हैं। जब मेरे और मेरी वाइफ के ड्रीम में परमेश्वर के दास आए तो उसके बाद हमारा फेथ और बढ़ गया। हमें ये विश्वास हो गया कि जो हमें ब्लेसिंग मिली है प्रभु की ओर से ही है। मैंने अपना ऑनलाइन फॉर्म भरा था ले हैंड के लिए, तो उन्हीं दिनों में ले हैंड की टर्न आ गई और मुझे टीम की तरफ से, चर्च टीम की तरफ से कॉल आई। 14 अक्टूबर 2021 को मेरे और मेरी वाइफ के ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड किया। परमेश्वर के दास ने ले हैंड किया और मेरी वाइफ को ऑयल्स दिए, अनॉइंटिंग ऑयल। और परमेश्वर के दास ने ये कहा कि आपने ये ऑयल जो है ये डेली अप्लाई करना है जब तक आपका बेबी डिलीवर नहीं हो जाता। जब परमेश्वर के दास ने हमारे ऊपर ले हैंड किया और मेरी वाइफ के ऊपर, तो हमें एक हेवनली एक्सपीरियंस हुआ उस ले हैंड के द्वारा। तो हमारी बॉडी में काफ़ी गर्माहट आई और हम काफ़ी आनंद से भर गए और हमें काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा बॉडी में। जो अनॉइंटिंग ऑयल मेरी वाइफ को परमेश्वर के दास ने दिया था वो ये डेली अप्लाई करते रहे। और उस ऑयल को लगाने के बाद परमेश्वर ने
मेरी वाइफ को पूरे 9 मंथ तक संभाल के रखा और सेफ रखा। 1 फरवरी 2022 को परमेश्वर ने हमें बहुत ही सुंदर बेबी बॉय के साथ हमें ब्लेस किया। जब मेरी वाइफ ने बेटे को जन्म दिया तो उसके बाद डॉक्टर भी हैरान थे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने हमें जो पहले इंस्ट्रक्शंस दी थी उसमें बताया था कि आप बेबी को कंसीव नहीं कर सकते हो, आप बेबी को यानी डिलीवर नहीं कर सकते हो, हार्ट के ऊपर काफ़ी प्रेशर आएगा उसके लिए। पर परमेश्वर ने हमें पूरी अच्छे से मेरी वाइफ को संभाल के रखा और बेबी बॉय के साथ हमें ब्लेस किया। हम उन लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं जिनके पास बेबी नहीं है, हमारा जैसे हमें जैसे प्रभु ने बच्चे के साथ आशीषित किया, वैसे ही प्रभु के साथ आप खड़े रहें और अड़े रहें और विश्वास में बने रहें, और प्रभु आपको भी आपकी ब्लेसिंग के साथ, आपके बेबीज के साथ प्रभु आपको भी ब्लेस करेगा। अभी हम बहुत खुश हैं। हम इस बड़ी आशीष के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे अंदर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा। यह वचन इस भाई के जीवन में पूरा हुआ। सारियां जय मसीह दी। मेरा नाम जसविंदर पाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर तहसील मुकेरियां पिंड बुढ़ा भड़ का रहने वाला। मैं अपने जीवन की सब तो वड्डी गवाही देन जा रहा हूँ। मेरी उम्र 37 साल है। जदों मैं 19 साल का सीगा तो मैं घर तो काम सीखने लिए राजस्थान गया। जदों मैं उत्थे काम सीखने लिए गया तो उत्थे मेरे नवे यार दोस्त बने, तो उन्होंने मेरा उठना बहना हो गया। तो असी जदों बाहर घूमन फिरन लिए जाते थे तो जदों वह नशा करते होंगे सके तो वह मैनू भी नाल लैके जाते थे, वह मेरे सामने नशा करते थे, मैनू फोर्स भी करते थे, पर मेरा दिल नहीं करता सीगा। मैं उन्होंने मना कर दिता सीगा भी मैं नहीं नशा करना। फिर एक दिन उन्होंने मैनू बहुत ज़्यादा फोर्स किया भी कहते तो नहीं तू करके देख भी नशा भी वधिया लगता है करके देख। फिर मेरा भी मन किया भी चलो 2 सूटे लगा लेना मैं। फिर मैं 2 कस लगाए बीड़ी दे, मैनू फिर वधिया लग्या। जिदा जिदा मेरी उम्र बीतती गई हुण माड़ी संगती करके मेरा नशा वधदा गया। फिर मैं भंग बीड़ियाँ सिगरटा तंबाकू के भी नशे किए, कूल लिपां भी लगाइया। फिर इस नाल नाल ही मैं शराब पीनी भी शुरू करती। शराब की मैं दिन के एक या 1.5 बोतल मैं शराब की पीता सीगा एक टाइम के जिदा 1.5 बोतल दिने पी लेनी, शाम को फिर अद्धा या 1.25 बोतल रात को भी पीनी। फिर उस बाद मैं 2-3 पैकेट कूल लिप दे रखता सीगा कोल, एक जरदे की पूड़ी। मेरा शरीर नशे का इन्ना आदि हो गया सीगा कि नशे तो बिना मैं रह नहीं सकता सीगा। जदों जदों मैं नशा कर लैंदा सीगा उदों मैनू वधिया लगता सीगा, और नशा करके फिर मैं काम ते जांदा सीगा। जिस दिन मैं नशा नहीं करता सीगा उस दिन मेरा काम करन नू भी दिल नहीं करता सीगा। फिर मैं कुछ समय तो बाद राजस्थान तो पंजाब आ गया। फिर मैं इत्थे पंजाब च JCB चलाउण लग गया। फिर इत्थे मेरे नवे यार दोस्त बने, वह भी नशा करते सीगे, वह मैडिकल नशा करते सीगे। उन्हां वह फिर मैनू नाल लै जांदे सीगे, वो कहते तू भी नशा कर लै मैडिकल। मैं यार मैं मैडिकल नशा नहीं करता, मैं कदे किया नहीं, मैंने डर लगता कि ये गोली नाल ज्यादा ना मैं कुछ हो ना जाए भी मैं दारू दुरू पी लैन्ना। नहीं कहते कोई गल नहीं तू थोड़ी जी गोली खा लै। मैं क्या चलो थोड़ी जी खा लैन्ना, थोड़ी जी गोली खाधी तो मैनू फिर वधिया लग्या। जदों मैं पहली बार नशे की गोली खाधी तो फिर मैनू वह गोली ठीक लगन लगी। फिर मैं वह गोलियां मैडिकल तो लिया सीगा पत्ते रखन लग पाया जेब के बच्चे। मैनू ना वो दारू नालों चंगा लगता सीगा, दारू नाल मैनू इन्ना नशा नहीं हुंदा सीगा जिन्ना मैनू गोली नाल हुंदा सीगा। गोलियां दे नशे तो बाद मैं कैप्सूल का नशा भी शुरू कर दिता, कैप्सूल भी खाता सीगा मैं 2-2, 3-3 कैप्सूल खाने। फिर उस तो बाद मैनू किसी यार दोस्त ने कहा भी कहता एक क्रैक्स की शीशी आती है, एक कहता इनू पी ये भी बहुत वधिया चीज़ है। फिर मैं वो क्रैक्स दियाँ शीशियाँ भी पीतियाँ, मैं 2 पी लेनियाँ। मैनू इदा लगना भी मैं बोतल तो भी वध नशा किया। एक दिन मैं नशा कर लिया ओवरडोज नशा करन दे नाल मैं बाइक ते आ रहा सीगा, मेरी बाइक स्लिप हुई ते बाइक मेरे उत्ते डिगी ते मेरे उत्ते बाइक गिरन तो बाद मेरे तो बाइक चक्की नहीं जाती सीगी क्योंकि बाइक का वेट ज़्यादा सीगा, मैं नशा ओवरडोज किया सीगा। फिर मैं रौला रूला पाया ते एक मुंडा साडे गुआंढी सीगा वो घरों बाहर निकलिया सीगा ते उन मेरी आवाज़ सुनी किते,
वह मैनू आया देख, उन्हें देखा भी इतने तो कोई डिग्या पिया भी नशा करके शायद कोई। फिर उन्होंने मैनू ना बाइक के थलों कढ़िया, एक महीना डेढ़ महीना मैं बैड से रहा। फिर मेरे ट्रीटमेंट चले, दवाइया दवाइया चलिया डॉक्टरों तो। फिर मैं नशे के इन्ना डूब चुका है कि मैं दिन के बहुत ज़्यादा नशा करता सीगा। दो पैकेट कूल लिपा दे, एक जरदे की पूड़ी, मैडिकल नशा भी करता सीगा, कुरैक्स दियाँ शीशियाँ भी, फिर मैं एक या दो शीशियाँ कुरैक्स दियाँ भी पीनियाँ। फिर मैं दारू भी पीता सीगा, दारू की एक या डेढ़ बोतल मैं पीता सीगा। कमाई मैं उस वेले कोई मैं मशीन के उत्ते 15 या 16 हज़ार कमाता सीगा, उदे विच्चों मैं 4-5 हज़ार ही घर दिता हुंदा सीगा, बाकी मैं नशियां दे विच मेरा जांदा सीगा। जदों मैं सोना मैनू सारी रात नींद नहीं आती थी। उस वेले जिहड़ा भी नशा मेरे कोल होना जां कूली पोई जां जरदा होया मैं उहनू ही कर लैंदा सीगा। उस वेले वह नशा करके फिर मैं इदा लगना भी शायद मैं नींद आ जाएगी, फिर भी मैं ना नींद नहीं आती थी। पर मैं नशे छड्डण की कोशिश करता सीगा पर मेरे तो छड्डे नहीं जाते थे। मैं लगता सीगा कि मेरी जिंदगी हुण थोड़ी है। मेरे दिमाग दे विच बहुत उल्टे उल्टे ख्याल आते थे। मेरे दिमाग दे विच ख्याल आते थे कि इहदे नालों मरना ही चंगा है, भी मैं किहदे वास्ते जी रहा, मैं घरदिआं वास्ते भी एक बोझ बनिया पिया सीगा। इस करके ना मेरा मरण नूं दिल करदा सीगा, पर सुसाइडल थॉट आंदे सीगे दिमाग दे विच। मैं अपनी जिंदगी तो बहुत ज़्यादा तंग आ चुकिया सीगा, मैं कल्ला बैठा ही सोचदा रहिंदा सीगा कि मेरी जिंदगी दा की बनूगा। मैनूं किसे नाल भी गल करना पसंद नहीं सीगा, मैं किसे नाल भी बोल चाल नहीं रखदा सीगा, मैं नहीं बोलदा सीगा किसे नाल भी। नशे दे कारण मैनूं सारे लोग नशेड़ी कह के बुलाउंदे सीगे। इन्हां नशियां करके मैनूं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुंदी सीगी। इन्हां नशियां दे करके मेरी पूरी जिंदगी नरक बन गई सी। इन्हां नशियां तों छुटकारा पाउण दे लई मैं होर कई जगह ते गया, अन्य जगह ते भी गया, मैं धागे तबीत भी करवाए, पर मैनू उन्हां दे नाल भी कोई फर्क नहीं पिया। जदों मैं पूरा थक टुटिया सीगा ते मैनूं लगदा सीगा कि मेरा छुटकारा किते नहीं होना। मेरे पिंड तों कोई बजुर्ग सीगे, वह खांबरा चढ़ते दे नाल जुड़े हुए सीगे, काफ़ी टाइम तो आंदे सीगे। उन्होंने मेरी मम्मी नूं गाइड किया कि तुसीं अपने मुंडे नूं खांबरा चर्च लै के जाओ, तो उन्होंने मेरे नाल गल की कि तू खांबरे चर्च जा। फिर मेरे मन च पता नहीं किया, चलो भी एक बारी मैं जा के आना, देख के आना भी चर्च कहते किनू है। तो फिर जदों मैं खांबरा चर्च के बीच आया, फिर मैनू पता लग्या कि खांबरा चर्च की एक ब्रांच गुरदासपुर है। फिर मैं उस ब्रांच के जाना शुरू कर दिता, उत्थे मैं लगातार गया। 31 मई 2022 परमेश्वर के दास गुरदासपुर क्रूसड कर आए थे, उस क्रूसड के मैं भी गया। जो परमेश्वर के दास ने नशियां वाले दे प्रेयर की, नशे वाले दे लई, तो मैं उन्हें रिसीव किया अपने वास्ते प्रेयर नू। इस मीटिंग के बाद भाइयों के फाइनेंस ओपन होंगे, इस मीटिंग के बाद आप डिलीवर होंगे, इस मीटिंग के बाद आप नशों से आज़ाद होंगे, इस मीटिंग के बाद आप नशे से डिलीवर होकर वापिस चर्च में सेवा के लिए आएंगे। जदों परमेश्वर के दास ने नशियां वालों के लिए प्रेयर की, तो उसनू मैं अपने लिए रिसीव किया, तो फिर पवित्र आत्मा ने मैनू सुया, तो मेरी अखां दे विचों हंझू आए, तो मैनू इदा कुछ हल्का जिहा महसूस होया। उस दिन तो बाद जदों मैं घर नू गया सवेरे क्रूसड तो, मेरा नशा करन नू बिल्कुल भी दिल नहीं किया। हुण मैं उस दिन तो बाद मैं कोई भी नशा नहीं करता, ना मैं बीड़ियाँ पीता, ना मैं कूलीपां लगाता, ना ही मैं जरदा खाता, ना ही मैं कुरैक्स दियाँ शीशियाँ पीना, ना ही मैं गोलियां खाता, ना ही मैं कैप्सूल खाना है, तो कोई भी मैं हुण मैडिकल नशा नहीं करता, दारू भी नहीं मैं पीता। हुण मैं बिल्कुल आजाद हाँ, हुण मैं बिल्कुल नशा छड्ड चुकिया, हुण मैं परमेश्वर नू अपना जीवन दे चुकिया, परमेश्वर नू अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता मान चुकिया। जिन्हें भी मेरे वीर भरा नशा करते ने उन्हां नू मैं इहो कहना चाहना कि जिस तरह परमेश्वर ते मैं विश्वास करता, तुसी भी अपना विश्वास रखो, अड़े ते खड़े रहो, परमेश्वर दे विच बने रहो। परमेश्वर ने जिस तरह मैनू इन्हां नशियां तो आज़ाद किया है, तुहानू भी परमेश्वर फ्री करूँगा। इस वड्डे छुटकारे दे लई मैं प्रभु का धन्यवाद करदा, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करदा। सारिआं नू जय मसीह दी। तारीफ करें सज्जन तालियों के साथ, उसकी हजूरी बनना चाहिए। सज्जन ऑनलाइन ब्रांचेस अपने अपने जगह के ऊपर खड़े होंगे, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएं ऊपर की ओर। कर देता है रेगा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा यीशु का। बंधन टूटते देर
कैदी छूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे, कैदी छूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे ना, कर देता है रिहा मसा यीशु का, कर देता है रिहा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, हाँ, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, देता है रिहा मसा यीशु का, देता है रिहा देता है रिहा मसा
उस दिन के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तो जितने भी जन ब्रांचेस में सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। जब सुनते हैं आपका विश्वास बढ़ता है। तो आप टेस्टिमनीज को जब सुनते हैं तो इस मनसा से सुनना कि जब आप इस गवाही को लोगों को बताएं तो उनकी जिंदगी जो है वो परिवर्तन हो सके। तो जो टेस्टिमनीज हैं वो आपके फेथ को बढ़ाती है, आपके विश्वास को बढ़ाती है और आपको परमेश्वर के और करीब लेके जाती है और आप भी अपने मिरेकल को, अपनी गवाही को जल्दी रिसीव कर पाते हैं। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम पृथ्वी है, मैं यूपी के रहने वाला। और पिछले 23 साल से आप लगातार आपने नशा किया? हाँ जी। कौन कौन सा नशा करते थे आप? बेड़े और ये पुड़िया गुटका और ये मैं सब सब नशा करते थे। मतलब जो भी नशा मिलता था, शराब, सिगरेट, बीड़ी, भांग, तंबाकू, हर तरह का इन्होंने नशा किया और 23 साल लगातार नशा किया। और काम क्या करते थे आप? वो दिहाड़ी करते थे। और जो भी पैसा आता था उसका आधा आधा नशे में चला जाता है। और कभी निकल नहीं पाए इन चीजों से? कोशिश नहीं करी छोड़ने की? ना 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 ना, क्योंकि नशा इतना ज्यादा इनकी जिंदगी में बढ़ चुका था कि एवरी डे हर रोज ये नशा करते थे, घर से पैसे चुरा के नशा करते थे। जब पैसा नहीं होता था पास, लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, कोई शांति नहीं थी। और नशे की वजह से इनकी जो आस पड़ोस थे वो भी इनसे नफरत करते थे। फिर किसी ने इनको जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया तो लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। 12 मार्च 2023 को परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। जो भाई नशा करते हैं जस्ट अपने सिर पे, माथे पे इस तरह से हाथ रखें जैसे मैंने रखा हुआ है अपने माथे के ऊपर। इस तरह से माथे पे हाथ रखें और रिलीज करें उस नशे की आत्मा को फायर से। कैच फायर बोले, नशे की आत्मा कैच फायर। कोई कोई दुष्ट आत्मा फायर में नहीं रह सकती, कोई दुष्ट आत्मा फायर में नहीं रह सकती। याद रखना, कोई जादू टोना फायर में नहीं रह सकता। कैच फायर, रिलीज करो होली गस्ट। जब आपने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? रिसीव जब किया तब मेरे को गरम गरम बर्तन लागा कि जहां कोई चला गया। और उसके बाद नशा नहीं किया? नशा जब से लौट नहीं। अभी कितने समय हो चुका कि नशा नहीं किया? 1 साल 26 दिन हो गए हैं। कोई नशा नहीं किया? नहीं नहीं, कोई नशा, कोई नशे की तलब नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई नहीं। तारीफ करें परमेश्वर की इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस अद्भुत गवाही के लिए कि परमेश्वर ने 23 साल पुराने जो नशे से निकल नहीं पा रहे थे, उन नशों से परमेश्वर ने इनको डिलीवरेंस दी, इनको आजादी दी है। सब परमेश्वर का थैंक्स करें कि जीवित नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी पुर्तगाल ब्रांच से सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम जस्सी है। 8 साल पहले इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। सपनों में गंदगी नजर आती थी, दबाव पड़ता था, पानी नजर आता, जिसके कारण इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी थी। आइए आज इन्होंने अपनी गवाही, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, इन्होंने अपनी गवाही को सुनते हैं। इनकी गवाही में क्या कह रहे हैं ये अपनी गवाही में? सारे जैसी, मेरा नाम जैसी है। साड़ा ब्याह 2021 के बीच 10 नवंबर को होया। तो उस तो बाद असी अपने बेबी बारे सोचा। जो असी बेबी प्लैन किया तो जुलाई 2022 के बीच मैं प्रैगनेंट हुई फर्स्ट टाइम। बट वो बेबी कंटिन्यू नहीं चलिया क्योंकि वो सितंबर के बीच मेरा बेबी का मिसकैरेज हो गया। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, सुपनिया के राही हमेशा सोच विचार आते रहते होंगे। असं डॉक्टर को गया तो डॉक्टर ने दसाया कि बेबी जरा ऑलरेडी डेड हो चुका, 3 महीने हो चुके थे मेरी प्रैगनेंसी। असं अंकुर नूला मिनिस्ट्री के पिछले 2017 के तो जुड़े हुए थे। चर्च में अटेंड करते रहे, मीटिंग अटेंड करते रहे, तो उन्होंने घोषणावान असं रिसीव करते। टेस्ट करवाया तो मैं ऑलमोस्ट 3 मंथ की प्रैगनेंसी। 24 जुलाई 2023 के बच्चे हेल्थी ब्यूटीफुल बेबी गर्ल के नाम ब्लैस किया। और इस गवाही के लिए असं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा के दास और दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अज मैं और मेरा हसबेंड और मेरी बेटी असं परमेश्वर मसीह के नाम तो ब्लैस हाँ। और सू किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस वही गवाही के लिए परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी का तय दिल तो धन्यवाद करते हैं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस अमेजिंग अद्भुत गवाही के लिए। अगर आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना है तो जब मैरिज हुई, मैरिज के बाद दुष्ट आत्मा के अटैक होने लग गए,
हस्बैंड वाइफ ने जब बेबी के लिए प्लान किया तो काफ़ी परेशान थे। 2022 में प्रेग्नेंट हुए, डेवलिश अटैक बढ़ने के कारण सपना आया ऐसा कि किसी ने रात को आके गले को दबाया, इनके पेट को दबाया और वो बेबी जो था इनको अगले दिन बहुत ज़्यादा पेन हुई। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि आपके बेबी की डेथ हो चुकी है। बहुत परेशान हुए, निराश हो चुके थे और उसके बाद फिर से जब ये बेबी के लिए सोच रहे थे तो लगातार डर था क्योंकि बुरे सपने आ रहे थे, अटैक और बढ़ चुके थे और इस बार खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं इनको नज़र आती थी जिसके कारण बड़े परेशान थे। फिर ये दोबारा जब प्रेग्नेंट हुए तो कुछ 5 मंथ के बाद इनकी तबीयत एकदम से फिर से टैबलिश अटैक होने का, एक बुरे सपने के कारण ख़राब हुई। तो जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपका बेबी जो है वो अब नॉर्मल होगा, ये बिल्कुल सही ठीक नहीं है, इसके बॉडी के पार्ट सही नहीं है, इसका माइंड सही नहीं है। तो ये बहुत निराश हुए, नर्वस थे, दुखी थे, परेशान थे, बार बार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और सपने में इनको दुष्ट आत्मा कहता था कि मैं तेरे बच्चे को मार दूंगा, मैं तेरे बच्चे को ले जाऊंगा। ये बहुत दुखी थे पर चर्च के साथ जुड़े हुए थे, विश्वास था कि परमेश्वर आप इस दुष्ट आत्मा के अटैक से, इस जिंदगी से आप मुझे रिहा करेंगे, आप मुझे ब्लेस करेंगे। इनके पास चर्च का अनॉइंटिंग ऑयल था तो ये बहन विश्वास के साथ चर्च के साथ जुड़े रहे। और 18 जनवरी 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। पहले जस्ट थोड़ा 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 जहां प्रेयर चल रही है आपको ऑयल लगाते जाना है और डिलीवर होते जाना है। अपने हाथों को उठा, आज मैं बीमारियों को, शर्मिंदगियों को जीसस के नाम में आपकी लाइफ से जाता हुआ देख रहा हूं। और जैसे परमेश्वर के दास ने कहा कि आपने अपनी बॉडी पे ऑयल अप्लाई करना, कहते हैं मैंने बॉडी पे ऑयल अप्लाई किया, प्रार्थना हुई, मैंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। उसी समय कहते परमेश्वर की सामर्थ्य ने मुझे टच किया, ऐसा लगा कि जैसे मेरी बॉडी एकदम से हल्की हो चुकी है। और फिर परमेश्वर की ऐसी बड़ी दया रही इनके ऊपर, प्रेगनेंसी के टाइम में खुदा ने इनको संभाल के रखा और पूरे टाइम के ऊपर परमेश्वर ने इनको हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए। जब आप विश्वास के साथ उसकी हजूरी में बने रहते हैं तो खुदा आपको आशीष करता है, ब्लेस करता है। थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए खुदावन के बड़े अद्भुत कामों के लिए। सब जन हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन आई एम। अगली गवाही सिस्टर सिमर कौर की सुनेंगे। ये सिस्टर भोगपुर जलंधर के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही के आज से 11 महीने पहले ही सिस्टर सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे जिसके कारण सिस्टर के लेफ्ट साइड जो चूल्हा है उसकी हड्डी पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी थी। ये सिस्टर ना तो उठ बैठ पाते थे, ना चल फिर पाते थे, टॉयलेट वॉशरूम अपनी फैमिली के सारे चलते थे। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जब परमेश्वर के दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जब प्रार्थना किया तो सिस्टर ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। मैं लेहन करती हूँ, स्प्रिट में, आत्मा में लेहन करती हूँ हर एक बीमार पे, हर एक रोगी पे, हर एक बीमार शरीर पे लेहन करती हूँ। यीशु मसीह के नाम में तेरे हीलिंग पावर के जन को छुए होली गॉस फायर के साथ खुदावन। और जैसे सिस्टर ने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, सिस्टर बताते कि एकदम से इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई, करंट सा लगा। उसी समय जब इन्होंने चलकर देखा, उठकर देखा, वो रोग पूरी तरह से जा चुका था, उस टूटी हड्डियों में परमेश्वर ने बल को दिया। तो अब ये सिस्टर 15 दिन से पूरी तरह से इस रोग से पूरी तरह आजाद है, चल फिर पा रहे, उठ बैठ पा रहे, घर का काम कर पा रहे हैं। सब जन अपने हाथ तक उठाएं, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन नेक्स्ट गवाही को हम सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम कुलजीत है और ये
विरकल वंडी गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ये गवाही इनके बेटे की है जिसकी उम्र अभी 13 साल की है और 3 महीने पहले इसकी जो बाजू थी लेफ्ट बाजू की हड्डी टूट गई थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मेरे 3 साल 3 महीने पहले लेफ्ट बाजू से सट लग गई थी, मेरे बहुत ज्यादा दर्द रही। फिर जो डॉक्टर ने दिखाया था उन्होंने दसा कि लेफ्ट बाजू की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है। फिर ये पट्टियां कराई, मालिशा कराई, पर मैनू कोई फर्क नहीं पै रहा है। मैनू कपड़े सारे मेरे मम्मा पाते थे। मेरे मन च रहा कि मैं कभी ठीक हो पाना कि नहीं, पर असं अंकुर नरोला अपने स्टेज पहले तो ही जुड़े हुए थे। फिर पोस्टर जी दे वर्डन रिसीव करने बाद मैं बिल्कुल ही गया। सारे तारीफ करें सज्जन इस गवाही के लिए, सज्जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर जनवरी 2020 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। जितनी कमजोर हड्डियों वाले लोग हैं, रीढ़ की हड्डियों वाले लोग हैं, जिनके गैप जो हैं वो कम हो चुके हैं, यीशु मसीह के नाम में ऐसी सारी प्रॉब्लम्स के जितने हड्डियों के रोगी हैं चंगे हो जाओ राइट नाउ और छूट जाओ अपने रोगों से राइट नाउ इन जीसस नेम। जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस भाई ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, बेल्ट को उतारा, अपने आप को चेक किया, जिस बाजू को ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे अपनी बाजू को मूव करके देखा, अब 2 साल 2 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं, परमेश्वर ने बेल्ट से आजाद किया है, पेन से दर्द से आजाद किया। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अगली गवाही को हम सुनेंगे, इस भाई का नाम जसप्रीत है और ये बटाला के रहने वाले हैं, आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। सारे नु जय मसीह दी। मेरा नाम जसप्रीत, 15 साल की उम्र विच मेनू दुष्ट आत्मा दे अटैक होने स्टार्ट होए, जिदी वजह करके मेनू साफ मुर्दा लोग दिखाई दिंदे सी। मैं अपनी फैमिली नाल ही बाहर जांदा सी, मैं कल्ला किते नहीं जांदा सी। मेरे मन विच सुसाइडल थॉट्स भी आंदे सी। मैं एक बार चाकू नाल ते एक बार चलदी बैग तो छाल मारन की कोशिश की। 3 साल मेडिसिन खाण दे बावजूद भी मेनू कोई भी फर्क नहीं पिया। फिर मेरे घर दे मेनू अन्य भी लैके गए, इस दे नाल भी मैनू कोई फर्क नहीं पिया। फिर साढ़े रिश्तेदार ने सानू अंकुर नरोला मिनिस्ट्री बारे दसिया। फिर असी अंकुर नरोला मिनिस्ट्री विच जाना स्टार्ट किया 2019 विच, जो अपोस्टल जी प्रार्थना के दौरान दुष्ट आत्मा नूं डांट रहे सन, मेरे शरीर विच हल्का पैन महसूस होया, मैं अपनी बॉडी विच हीलिंग नूं महसूस किया। अज पूरे 4 साल 3 महीने ते 23 दिन हो चुके आ, उस तो बाद मैं बिल्कुल फ्री हाँ, मैं बिल्कुल आजाद हाँ। मैं इस वड्डी गवाही लई परमेश्वर दा ते परमेश्वर दे दास अंकुर नरोला जी दा बहुत बहुत धन्यवाद करता। सारिआं नूं जय। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस भाई के मुंह से सुना कि 7 साल से इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे, सुसाइडल थॉट्स आते थे और 2 बार इन्होंने मरने की कोशिश की उस दुष्ट आत्मा की वजह से, और उसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। फिर इनके किसी रिलेटिव ने इन्हें चर्च के बारे में बताया, अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया और 15 दिसंबर 2019 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से कोई दुष्ट आत्मा के अटैक्स नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने आज़ाद किया है। 4 साल 3 महीने 23 दिन हो चुके, पूरी तरह से आज़ाद है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आई एम नेक्स्ट टेस्टमनी सुनेंगे। इस भाई का नाम रोहित सेठी हैं और ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी के 16 सालों से ये भाई नशा करते थे, शराब, सिगरेट, तंबाकू और मेडिकल का नशा भी करते थे। तो आज ये फैमिली हमारे साथ जुड़े हैं, तो इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि इनकी लाइफ कैसी थी और कैसे परमेश्वर ने इनको उन नशों से, उन रोगों से आज़ाद किया। सारे नु साडे वल्लो जय मसीह दी। असीं अज एक अपनी जिंदगी दी बहुत वड्डी गवाही देण जा रहे हैं। मेरे हसबैंड काफ़ी सालों के नशे के विच सीगे, ये हर तरह का नशा करते सीगे, सिगरेट, शराब, सारा कुछ तरह नशा करते सी। ईवन तो इन्हें नशे तो शराब पी के नीचे कुड़ियाँ तक भी खा लेंगे सी। दिन प्रतिदिन इन्हों का नशा जोड़ा से वह बढ़ता जा रहा है। प्रोसेस के परमेश्वर के दास द्वारा ये
ਮੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੈਵਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਤੂੰ ਬੈਟਰ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ तारीफ करें परमेश्वर के इस डिलीवरेंस के लिए, क्योंकि 16 साल हो चुके थे इस भाई को मेडिकल नशा करते थे, शराब सिगरेट तंबाकू और जो भी कोई नशा मिलता था, हर तरह का नशा इन्होंने किया। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी और बहुत बार इन्होंने इन नशों से बाहर आने की कोशिश करी लेकिन नहीं निकल पाते थे। लेकिन जब ये 8 मार्च 2024 को जो मेलबर्न क्रूसेड हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, डे 2 में वहाँ पे गए थे और परमेश्वर के दास ने जब इनके ऊपर प्रेयर करी थी, लेहेंड प्रेयर इनके ऊपर हुई थी और उस प्रेयर के दौरान परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ और उस दिन के बाद से जो इनकी लाइफ जो है डे बाई डे बेटर होती गई। उसके बाद इन्होंने कोई नशा नहीं किया, पूरी तरह से आज़ाद है। उस प्रेयर को पहले हम अपने स्क्रीन पर देखते हैं। In Jesus name, confusions out. ये क्या चीज है? सर्वाइकल इशू शुरुआत है। ये MRI ये क्या है? हाँ जी, MRI। किस चीज की? ब्रेन की है, पीछे की है? ब्रेन की भी है, स्टमक की भी है और सर्वाइकल की भी है। सुनो, ये बीमारी से ज्यादा अटैक है। ओके, ये अगर बीमारी होती मैं बीमारी कहता कि यू आर सिक। अगर ये अटैक है मैं अटैक बोल रहा हूँ, और अगर मैं ये बोल रहा हूँ ये अटैक है तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशन, ये अटैक फिनिश हो रहा है। थैंक यू, आई रिसीव इट। थैंक यू। कहाँ थे आप? पापा जी, ऐसी जिंदगी जी नहीं रहे, ऐसी काट रहे हैं। डोंट वरी, क्यों? इन जीसस नेम तुम जियोगे। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, बी फ्री। लोहोरामा नंबरो सोथाना ले गोरा ना बा शिंदा ना मा सुखा मा खांदे ले क्रो सोथोनो बा शिखांदा ले प्रो मा सुखा मा खांदा ना बा खालो रंगोंदा ना मा शिखांदिया ना। इन जीसस नेम मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ, आज के बाद तुम्हारी लाइफ बेटर होगी, बेटर होगी, बेटर होगी, जब तक तुम बेस्ट में ना चले जाओ। और मैं भविष्यवाणी करता हूँ आने वाले कुछ सालों में, जो अब तुम्हारी शक्ल है जो कैमरे पे नोट की जा रही है, हाँ, आने वाले सालों के बाद तुम आज से ज्यादा जवान दिखोगे तुम। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जब निकला करोगे गाड़ी से, यू विल बी लाइक ए स्टार। कि कोई कौन आ रहा है ऐसा, कौन आ रहा है, लोगों की आंखों में तुम ऐसे लगोगे। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर है, मैं बता रहा हूँ। ये जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जस्ट एक 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 बोलोगे एक परीक्षा का समय था। ओके, हीलिंग एंटर कर चुकी। ओके, पर तुम क्या नोटिस करोगे, एवरीडे तुम परफेक्ट हो रहे हो। एवरीडे पेन्स कम, एवरीडे स्ट्रेंथ 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 स्ट्रेंथ। पवित्रता में बने रहना, प्रेयर में बने रहना, इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। और उस दिन जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहेंड प्रेयर की, परमेश्वर के दास ने बोला कि ये अटैक है। इन्होंने बताया कि मुझे सर्वाइकल है या ब्रेन में प्रॉब्लम है। जब लेहेंड प्रेयर हुई उसके बाद वो तो रोग इनके खत्म हुए, लेकिन वो बात जो इन्होंने परमेश्वर के दास को बताई भी नहीं थी कि 16 सालों से ये नशे के नीचे हैं और इनकी लाइफ ऐसी है। और जब लेहेंड हुआ उसके बाद इनके नशे जो है वो पूरी तरह से खत्म हुए, नशों से परमेश्वर ने आजाद किया। जितनी बीमारियां थी, सर्वाइकल था, ब्रेन का रोग था, उस प्रॉब्लम से, इस रोग से खुदा ने आजाद किया। उसके बाद इनकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो चुकी है और परमेश्वर ने इनको उस खुशी के साथ ब्लेस किया जो आज तक इनके पास कभी नहीं आई थी। जैसे लैंड हुआ उसके बाद से ये पूरा परिवार आनंदित है। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं सब खड़े हो जाएं अपने स्थान के ऊपर और परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए थैंक यू जीसस के लाइन और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए, बड़े छुटकारे के लिए, आशीष के लिए। सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। हालेलुया, बैठ जाएं सब अपने अपनी जगह पर। हम नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे, सिस्टर सरबजीत कौर जो कि अमरकोटला सुनाम के रहने वाले हैं। आइए सुनते हैं इनकी गवाही में क्या कह रहे हैं ये अपनी गवाही में। सारे भैन भाइयों जय मसीह जी, मेरा नाम सरबजीत कौर आ, मैं सुनाम दे रहने वाली हाँ जी। मेरे गुरदे दे विच पाथरी थी जी, उस कारण मैं बहुत परेशान रहिंदी सी जी। 3 साल तो मेरे पाथरी थी जी गुरदे दे विच,
2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਾਥਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਸਭ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਤਾਲੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੇ। 3 ਸਾਲ ਸੇ ਪੇਟ ਮੇਂ ਦਰਦ ਰਹਿਤਾ ਥਾ, ਦਰਦ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾ ਜੋ ਇਨਕੇ ਸਹਿਨ ਸੇ ਬਾਹਰ ਥਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਜਬ ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਆਪਕੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਆਪਕੇ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਕੀ ਰਾਈਟ ਕਿਡਨੀ ਮੇਂ ਹੈ, 9.1 mm ਕੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਈ ਇਹਨੇ, ਇਲਾਜ ਕੀਆ ਇਨਕਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਾ। ਪੱਥਰੀ ਕਾ ਸਾਈਜ਼ ਬੜ ਚੁੱਕਾ ਥਾ, ਤਕਲੀਫ ਬੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਬ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇ ਸਕੈਨ ਕੀ ਔਰ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਸਕਾ ਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 9.6 mm ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। तो डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज अब सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही है, बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है। ये बड़े परेशान थे, दुखी थे, पर विश्वास खुदावंत पे रखा, लगातार खुदावंत की हजूरी में बने रहे। 3 मार्च 2024 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया जोसेफ नूला जी ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने कहते मुझे टच किया। अगले ही दिन मुझे यूरिन का प्रेशर बना और मैं जब यूरिन के लिए गई तो गुप्त अंग के द्वारा वो पत्थरी बाहर निकली। परमेश्वर ने इन्हें हील किया, चंगा किया। उस दिन से बिल्कुल हील है, वो दर्द खत्म हो चुकी है, वो बीमारी खत्म हो चुकी है। खुदा ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया है। सब हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद देते हुए, होंठों को खोलते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए धन्यवाद देते हुए सब जन। नेक्स्ट गवाही ब्रदर वंशदीप की सुनते हैं। ये ब्रदर मानसा के रहने वाले हैं, ये बहुत अद्भुत गवाही है और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। तो जेएमसी की, मेरा नाम वंशदीप है, मैं डिस्ट्रिक्ट मानसा से हूँ। आज से 6 साल पहले मैं प्रोफेशनल डांसर था। डांस के साथ साथ मैं सेलिब्रिटी के साथ, बॉलीवुड एक्टर्स के साथ मैं काम करता था और डांस के साथ साथ मैं गलत संगति में गया। गलत संगति के कारण मैं सोशल मीडिया पे सारी रात मैं एक्टिव रहता। गलत संगति में रहने के कारण मैंने गैंगस्टरी में कदम रखा। गैंगस्टरी में पढ़ने के बाद मैं अपने बैग में स्कूल कॉलेज में पिस्टल लेके जाता था और मैं डिप्रेशन में रहने लगा। डिप्रेशन के कारण मैं सुसाइड करने की कोशिश करने लगा। मैं डिप्रेशन के कारण काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका था और फिर मुझे मेरे रिलेटिव्स ने कामरा चर्च के बारे में बताया और 4 फरवरी 2024 को पास्टर सोनिया यूसुफ़नूरुल्लाह जी के द्वारा मेरे पे लेहैंड हुई और लेहैंड के बाद मैं आज पूरे तरीके से मैं फ्री हूँ, पूरा हील हूँ। परमेश्वर के दास और दासी के मैं थैंक्स करता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सज्जन इस गवाही के लिए, सज्जन इस अद्भुत टेस्टिमनी के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 4 फरवरी 2024 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और इन्होंने उस स्पर्श को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे ही ये सामर्थ्य हाथ इस भाई के ऊपर आया, गलत संगति से आजाद हुए, बैप्टिज्म लिया, पूरी तरह से लाइफ परमेश्वर को दे दिया है। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अब इन्होंने पूरी लाइफ अपनी परमेश्वर को दे दी है। सब जन इस टेस्टिमनी के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम सुनीता है और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, आज हमारे साथ लाइव जुड़े। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। सबको मेरी जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है, मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरे चेहरे में पैरालाइज हो गया था और मैं खा पी भी नहीं सकती थी, पानी भी नहीं पी सकती थी, बहुत परेशान थी मैं। एक साइड से मेरी आँख भी बैठ चुकी थी और बुके दास ने प्रार्थना की और मैंने उसे अपने ऊपर ग्रहण किया। उस प्रार्थना को जब से मैं ठीक हूँ मेरा मुंह सीधा हो गया। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को, महिमा दें इस गवाही के लिए। इनकी गवाही है कि जनवरी 2024 में इन्हें फेशियल पैरालाइज हो गया था और इनका फेस राइट साइड से पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका था और ये बोल नहीं पाते थे, कुछ भी खा पी नहीं पाते थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। और फिर 4 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। अपने हाथों को उठा, हर एक बीमारी की आत्मा इमरजेंसी सेक्शन में मैं प्रार्थना करता हूं स्पिरिट में, हर एक रोग, हर एक बीमारी
हर एक तकलीफ तुम्हारी बॉडी को छोड़ के निकल जाए राइट नाउ। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उसी दिन इनका मुंह जो है वो सीधा हुआ। परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें हील कर दिया है और अब ये 2 महीने हो चुके हैं पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, हीलिंग के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आई एम अगले भाई ब्रदर कुलदीप से, ब्रदर कुलदीप की सुनेंगे। ये भाई जम्मू और कश्मीर के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही कि 20 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया। ये भाई बता रहे हैं कि इन्होंने 15 से 20 लाख रुपए इस भाई ने अपने नशे के ऊपर उड़ा दिए थे। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। मेरा नाम कुलदीप है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। मेरी बहुत बड़ी गवाही ये है कि मैं 2003 से नशे में आ गया, नशे करना स्टार्ट कर दिए थे। मैं सिगरेट का नशा करता था और ड्रिंक का नशा करता था। गलत संगति में आने के कारण मेरे नशे बढ़ गए। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं नशों को छोड़ूं, बट मैं नशे छोड़ नहीं पा रहा था। मैं एक दिन का 2 पैकेट सिगरेट और 1 बॉटल ड्रिंक कर लेता था। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं छोड़ पाया। 2015 में मुझे मेंटल अपसेट के अटैक हुआ। मैं मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट रहा 5 से 6 दिन। उसके बाद मुझे मेडिसिन लगी, ब्रेन की मेडिसिन लगी। मुझे नींद नहीं आती। मैं काफ़ी कोशिश करता था कि मुझे नींद आए, बट मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने उसके बाद फिर ड्रिंक स्टार्ट कर दी। लगभग 15 से 20 लाख रुपया मैंने इन नशों में अपना लगा दिया था। उसके बाद 2023 में क्रिसमस मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की नशे के लिए, उसको मैंने ग्रहण किया। उसके बाद से मैं एकदम फ्री हूँ। मैं अब कोई नशा नहीं करता। मेरी लाइफ एकदम ओके है। मेरी वाइफ के साथ, मेरे परिवार के साथ मेरे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तारीफ करें सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए, थैंक्स करें। फिर 25 दिसंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को किया तो इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। आज से नशे का आखिरी दिन है आपकी लाइफ में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावंत का आत्मा कह रहा है 2024 में वो शैतान को, वो नशे को तुम्हारे घरों से उखाड़ देगा, वो तुम्हारे घरों से निकाल देगा, तुम्हारे घर पवित्रता में चलेंगे। आमीन। ये बरकत तुम्हारी है। और जैसे इस भाई ने सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया, ये भाई बता रहे हैं कि उसी समय ने करंट सा फील हुआ। इन्हें ऐसा लगा कि कोई चीज, कोई दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गई है। और उस दिन के बाद इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। वो नशे की गंदी लत, वो दिमागी रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के गया। तो अभी भाई 3 महीने 12 दिन से उस गंदी दुष्ट आत्मा से, नशे से, दिमागी रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। ये भाई बता रहे कि अब अपनी कमाई ये नशों में नहीं उड़ाते, बल्कि अपनी कमाई को अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं, परमेश्वर के भवन में बो रहे हैं। सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए, लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए सब दिन थैंक यू जीसस बोले। अपने हाथ तक उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक करें सब दिन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम सुनीता है और ये विलेज धारापुर गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी के 1.5 साल पहले इनको दांतों का रोग हुआ था और ये रोग डे बाय डे इनका बढ़ता जा रहा था। तो आइए इन्हीं के मुझसे हम सुनते हैं कि इनकी लाइफ कैसी थी और इस रोग के कारण इनको क्या क्या प्रॉब्लम रहती थी। सर एन जी एम सी जी, मेरा नाम सुनीता वा। मैं गुरदासपुर के नाम पिंड धारापुर तो वा। मेरे दंदों के बहुत भयानक दर्द से, कुछ भी नहीं खा पीती, खब्बे पासे मेरे सोज रही थी। डॉक्टर ने कहा से फंगल इन्फेक्शन वा, तो ऑपरेशन दस्या सी, पर मैं ऑपरेशन नहीं कराया। मैं मेडिसिन खाती रही जे, पर मैनू 3-6-7 डॉक्टर बदले, पर मैनू आराम कितो नहीं आया। फिर खुदा दे दास ने बोलिया कि सिस्टर को मैं हील होंदा वेख लिया। उन्होंने मैं रिसीव किया, हूँ मैं बिल्कुल ठीक हाँ। 11 महीने हो चले, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। खुदा प्रभु दे दास दा ठीक सर। 16 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की थी, प्रोफेसी हुई थी इस बहन के लिए। उस प्रोफेसी को हम अपनी स्किन के ऊपर देखते हैं एक बार। मैं देख रहा हूं आपके जबाड़े को हील होते हुए, आपके दांतों के पास एक फंगस को, एक अजीब सी फंगस जो एंटीबायोटिक से नहीं गई, वो आपको हील होते हुए राइट ना।
और जैसे इन्होंने प्रोफेसी को सुना और परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उसके बाद जब इन्होंने घर जाके अपने आप को चेक करके देखा तो उसके बाद कोई इनको दांतों में उस फंगल इन्फेक्शन का रोग नहीं है, पूरी तरह से आजाद है, कोई मेडिसिन कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑपरेशन इनका कैंसिल हुआ। परमेश्वर का थैंक्स करें इस प्रोफेटिक हीलिंग के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर की तारीफ करें सब जन इस चंगाई के लिए। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम ब्रदर जसवीर मसीह की सुनते हैं। ये भाई उत्तराखंड यूपी के रहने वाले हैं। इनकी इनकी गवाही है कि जब इनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी तो इन्होंने गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। वो नशा डे बाय डे बढ़ता जा रहा था और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि ये ब्रदर कौन कौन सा नशा करते थे, कितना कितना करते थे और उन नशों के कारण क्या प्रभाव इनकी लाइफ में पड़ा। को जैन सिंह की, मेरा नाम जसबीर है। आज से 15 साल पहले मैं अपने यारों दोस्तों के साथ में नशे में लग गया था, जिसके खातिर मैं दारू बहुत पीने लग गया था। 3 बोतल दारू, 2 पैकेट सिगरेट मैं पी जाता था और अपनी कमाई आधी मैं दारू और सिगरेट में उड़ा देता था, जिसके खातिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं मरी जाऊँ तो सही है। फिर मैंने अपने ऊपर 40 गिलास तोड़े, जिसके खातिर मेरे को टाँके भी लगे और मेरे ऊपर ब्लैडिंग बहुत हो गई मेरे सिर में से। फिर हमें किसी ने दृष्टि के बारे में बताया, सोनिया पास्टर जी ने मेरे ऊपर ले एंड प्रार्थना करी 25 दिसंबर को, जिस दिन से मैं पूरी तरीके से आजाद सबको जान से। तारीफ करें सबजन इस गवाही के लिए, सबजन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 25 दिसंबर 2023 को परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना को किया। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। और ले हैंड करवाने के बाद इनको एकदम से इनकी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ और उसी दिन से ये भाई पूरी तरह से नशों से आजाद हैं। अब इन्हें कोई भी सुसाइडल थॉट्स नहीं आते, कोई भी इन्हें डिप्रेशन नहीं है। सब जने इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अब 3 महीने हो चुके हैं, इन्होंने एक भी बार नशा नहीं किया, सालों पुराने नशे से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम शकुंतला है और ये पठानकोट के रहने वाले हैं। आज हमारे साथ लाइव जुड़े, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। तारिया ने जन्म सी थी। आज मैं अपनी बुआ जी की गवाही देने जा रही हूँ। पिछले 20 सालों तो इन्हों के कान में दर्द होती सी, कुछ भी सुनाई नहीं सी दिंदा, पस बहता पस निकलती सी, बदबू आती सी, बहुत ज्यादा ब्लड निकलता सी इन्हों के कान तो। डॉक्टर नूं चेक करवाने तो बाद डॉक्टर ने दसिया कि इन्हों का कान का पर्दा फट गया है, जिस करके डॉक्टर ने इन्हों बहुत सारिया मेडिसिना एयर ड्रॉप करना भी पाने लिए दिते, पर उन्होंने कोई भी आराम नहीं आया। इन्होंने 4 डॉक्टर चेंज किया, कोई भी इन्हों आराम नहीं आता, लोग इन्हों बोली कह के चुराते सन। इन्हों की बेटी जो खांबड़ा चर्च न जुड़ी हुई थी, उन्होंने उसने इन्हों खांबड़ा चर्च बारे दसिया, इन्होंने उस चर्च में जाके गवाइयां सुनिया, इन्हों का विश्वास बदया, इन्होंने परमेश्वर ने कहा कि जेकर तू इन्हों चंगा कर सकता है तो मेरे कान नू भी तू ठीक कर सकता है। पोस्टर जी ने प्रेर की कि तुहानू कन्ना ते रोग छड्ड के जा रहा। मेरी बुआ जी ने उस दवाई नू अपने बाय फेथ रिसीव किया, उस तो बाद अज बिल्कुल ठीक है, कोई पास नहीं बहता, कोई ब्लड नहीं बहता, पूरा सुनाई इन्हों पूरा सुनाई दिता है। इस वड्डी गवाही लई परमेश्वर दा, परमेश्वर दे दास दासी दा धन्नवाद करदे। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इनकी गवाही ये है कि 20 साल पहले इनके कान का पर्दा फट गया था और इन्हें सुनाई नहीं देता था, कान से ब्लड निकलता था, गंदगी निकलती थी और इन्होंने 4 डॉक्टर चेंज किए और डॉक्टर इनको ईयर ड्रॉप्स डालने के लिए देते थे और इन्होंने लगातार उन ईयर ड्रॉप्स का यूज़ किया, दवाइयां खाई, लेकिन कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था और जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे और लोगों ने इनको बहरी बहरी कहकर बुलाना शुरू कर दिया था और जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर इनकी बेटी ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे और फिर 29 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सहमति प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। आज यीशु मसीह के नाम में अंधे देखेंगे, आज यीशु मसीह के नाम में बहरे सुनेंगे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, उस
फटे हुए पर्दे को हील किया और आज ये पूरी तरह से आजाद हैं, प्रॉपरली सुन पा रहे हैं, पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें सीलिंग के लिए। इसी तरह नेक्स्ट भाई हम ब्रदर काशीराम की सुनते हैं। इनके भाई की 2.5 साल से इस भाई के ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होते थे, जिसके कारण 4 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की और ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। जय मसीह सबको, मेरा नाम काशीराम ठेलो है और उड़ीसा से पूरा डिग से आया हूँ। मैं डिप्रेशन में चले गया था और सांप दिखाई दे रहा था और दुष्ट आत्मा सब व्यभिचार में गिरा हुआ था और पाप में गिरा हुआ था। और मेरा खुद का एक डांस क्लास था, मैं यहाँ पे डांस सिखाता और जाता था, व्यभिचार पे गिर गया था और 8 महीने तक मैं डिप्रेशन में चले गया था। गुरुराम जी ने मेरे को फेर किए और फायर फेयर हुआ तो मेरे को सब दुष्ट आत्मा और व्यभिचार आत्मा सब कुछ चले गया। अभी मैं 8 महीने तक सब कुछ मैं अभी ठीक हूँ और धन्यवाद करता हूँ प्रभु को, दास को, सबको। जय तारीफ करें सबजन इस गवाही के लिए, सबजन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि 2.5 साल से इस भाई के ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होते थे, सपनों में सांप नजर आते थे, इन्हें गलत संबंध बनाता था दुष्टात्मा, दबाव पड़ते थे, पूरी तरह से ये व्यभिचार में चले गए थे, ये पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए थे, इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि 4 बार इन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की। फिर इनकी हालत देख के किसी ने इनको अंकुर नूरुलाम निश्चय के बारे में बताया। इन्होंने ऑनलाइन ही मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, जब परमेश्वर के दास के वचनों को सुनते थे इनका विश्वास बढ़ा, गवाहियों को सुना विश्वास बढ़ा। फिर 13 अगस्त 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। आज यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी, आज यीशु मसीह के नाम में जादू डोने टूट जाएंगे, आमीन हो जाए, आशीष तुम्हारी है चर्च। जैसे ही इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस भाई ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस भाई को टच किया। बॉडी में एकदम से करंट सा महसूस हुआ, वॉमिट आई और बॉडी में एकदम से हल्का पहन महसूस हुआ। और उस दिन के बाद ये उन दुष्ट आत्माओं से पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से डिलीवर है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे, सिस्टर प्रभजोत जो जलंधर से हैं, आइए हम सुनते हैं इन्होंने अपनी गवाही में क्या कह रहे हैं। जैमसी जी, मेरा नाम प्रभजोत है, असी जलंधर रहने वाले हैं। मेरी गवाही यह है कि मैं 1 साल तो दुष्ट आत्मा के अटैक होंगे सी, दुष्ट आत्मा के अटैक कारण मैनू मैं चीके मारती थी, मैं अपना गला खुदी दबाती सी, तो मैं कंधा सिर मारती, मैं 3-3 घंटे बहुत ज़्यादा रोंदी सी। जब मैं कॉलेज आती सी तो मैं रस्ते में डिग रही सी। 5 नवंबर 2024 पास्टर जी ने दुष्ट आत्मा वाले ने अगे बुलाया, तो उस टाइम उत्थे सी पास्टर जी ने 90 क्वार्टर सारे सुटिया, तो जो 90 क्वार्टर मेरे उपर आया तो मैं गिर गई। तो मैं उस दिन तो बिल्कुल फ्री हाँ, मैं चार महीने तो टोटली बिल्कुल फ्री हाँ। सारा जैम जी सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 1 साल पहले से दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए, सपनों में इन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, इनका गला दबाने की कोशिश कर रहा है और ये चीखें मारते थे। इनको ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे दुष्ट आत्मा मुझे मारने के लिए आ रहा है और ये 3-3 घंटे तक कोई कुछ भी बोलते नहीं थे और डर बहुत ज़्यादा लगता था। मॉर्निंग को जब रात को सोते तो गलत ख्याल मन में आते थे, सुबह उठते वीकनेस बॉडी में कमज़ोरी बहुत रहती थी, अटैक इनके ऊपर इतने बढ़ चुके थे, अकेले बैठे रोते रहते थे, चीखें मारते थे, बालों को नोचते थे, अपना गला दबाते थे, दीवारों के साथ अपना सर पटकते थे और इनकी चीखें सुनकर इनके आस पड़ोस के लोग इनके घर में आ जाते थे और वो पूछते थे कि इसे क्या हुआ है, क्यों ये पागलों की तरह कर रही है। उस वक्त इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इन्हीं अटैक के कारण इनकी स्टडी के ऊपर भी बहुत गहरा असर हुआ और ये कॉलेज नहीं जा पाते थे। अगर वहाँ पर भी जाते थे तो कॉलेज में भी इनके ऊपर जब अटैक होता था ये बेहोश हो जाते थे। इनके फ्रेंड और इनके टीचर इनके परिवार वालों को फ़ोन करके बुलाते थे कि आपकी बेटी ठीक नहीं है और वो आके इनको डॉक्टर के पास लेके जाते थे। बहुत सारे डॉक्टर भी बदले गए पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। ये रोते रहते थे, अपने परिवार वालों को बोलते थे, फैमिली को, कि आप मुझे बचा लो, मुझे दुष्ट आत्मा मार देगी। इनके फैमिली वाले पहले से परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, विश्वास था कि हमारी बेटी को परमेश्वर आप हील करेंगे, आप चंगा करेंगे। लगातार खुदावंत की हजूरी में बने रहे, चर्च के साथ जुड़े रहे। 5 नवंबर 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की।
यीशु मसीह के नाम में शैतान, उसका हाथ, उसकी बीमारियां, उसकी तकलीफें आज से इस चर्च में, ऑनलाइन लोग, ऑनलाइन ब्रांचेस और दूसरी ब्रांचेस, मैं आपकी लाइफ से कैंसिल करता हूं, निकालता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। उठ जाइए। और उस दिन जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल जिन लोगों के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं उन्हें बुलाया, उनके लिए प्रार्थना जब हुई तो कहते हैं मुझे उसी समय परमेश्वर की सामर्थ ने टच किया, मैं गिर गई और जब मैं दोबारा उठी तो एकदम से पूरी बॉडी मेरी एकदम से हल्की हो चुकी थी। उसी दिन से मेरी लाइफ पूरी रीति से परमेश्वर ने आज़ाद किया, मुझे बदल दी। अब स्टडी में, पढ़ने में, घर में कोई परेशानी नहीं, कोई अटैक नहीं, एकदम से ये फ्री हैं। इस आज़ादी के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन, धन्यवाद देते हुए, हाथों को उठाते हुए, होंठों को खोलते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए धन्यवाद देते हो, हालेलुया बोलते हो सब जन। इस बहन का नाम अश्विनी ठाकरे है, ये बहन मुंबई से है। इनकी गवाही है कि पिछले 5 साल से ये बहन के पीरियड्स इरेगुलर थे। आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए इनकी गवाही को सुनते हैं। सारे को जय मसीह की, मेरा नाम अश्विनी है। 7 साल पहले दुष्ट आत्मा के मुझ पर अटैक होते थे। सपने में दुष्ट आत्मा आके मेरा गला दबाता था, मुझे घिसेड़ता था और सेम डेज मेरे बॉडी में पेन रहता था। 2019 में मेरी शादी हुई और शादी के बाद ये अटैक्स और ज़्यादा बढ़ने लगे। मेरे पीरियड्स इनरेगुलर हो गए। 26 अक्टूबर 2023 में मेरा पोस्टर जी के द्वारा ले हैंड हुआ और ले हैंड के बाद मेरे पीरियड्स रेगुलर हुए। इस बड़े गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सारे को जय मसीह। तारीफ करेंगे सब जन अपने हाथों को हिला के। फिर 26 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना को किया था। इन्होंने इस ले हैंड प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। आज ये बहन 5 महीने 11 दिन से ये बिल्कुल हील है। सब जन अपने हाथों को उठा के तारीफ करेंगे परमेश्वर की। थैंक यू जीसस बोलेंगे सब जन। थैंक यू लॉर्ड। अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम रागिनी है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। सभी को जय मसीह की, मेरा नाम रागिनी है, मैं हिमाचल प्रदेश पालनपुर से बोल रही हूँ। तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही ये है कि मुझे काफ़ी टाइम से हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी और ये जो प्रॉब्लम थी ऐसी प्रॉब्लम थी ये 1-2 महीने रेगुलर रहती थी। इसके कारण मुझे काफ़ी वीकनेस भी आती थी। जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी वीकनेस के कारण। इसलिए मैंने जब डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि मुझे PCOD की प्रॉब्लम है और इसके साथ साथ मुझे काफ़ी रसौलियाँ भी हैं। पर मेरा विश्वास परमेश्वर की ओर था, इसलिए मैंने 28 सितंबर 2023 को पास्टर सोनी जी के द्वारा अपने ऊपर ले हैंड प्रेयर कराई। तो उसके बाद जब मैं घर पे आई तो मेरी रसोलियाँ अपने आप ही निकल आई। उसके बाद से लेकर मैं अब तक बिल्कुल चंगी हूँ और मैं इस गवाही की महिमा परमेश्वर को देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के सच्चे दास दासी का। सभी को जय मसीह की। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। 2 साल से इस बहन को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती थी और ये कई बार 3-3 महीने बाद इन्हें पीरियड्स आते थे और बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को इन्होंने चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपके यूट्रस में मांस वाली रसौलियाँ हैं और इन्होंने लगातार ये दवाइयाँ खाते रहे लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और दवाइयाँ खा खा कर ये पूरी तरह से अक चुके थे। 3 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और फिर 28 सितंबर 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी और उस लेहन प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था और जैसे ही वो सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और अब ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। 5 साल 24 दिन हो चुके, पूरी तरह से हील हैं। सब अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करें। और जो रसौली इनके यूट्रस में थी वो रसौली बाहर आई, परमेश्वर ने इन्हें हील किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के बड़े कामों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें।
नेक्स्ट टेस्टमनी को हम सुनते हैं टोरंटो ब्रांच से ब्रदर दीपांशु की टेस्टमनी के 7 महीने से इस भाई को कान का रोग था और बहुत ज़्यादा कम सुनाई देता था, इरिटेशन रहती थी, ब्लड निकलता था और 4-5 बार इनको आवाज़ लगानी पड़ती थी फिर जाके इनको आवाज़ सुनाई देती थी और बहुत ज़्यादा ये परेशान थे, लेकिन लगातार ये टोरंटो ब्रांच में आ रहे हैं, परमेश्वर की हजूरी में प्रेयर को रिसीव करते हैं और जैसे ही परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी पूरे विश्वास के साथ, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इनके लेफ्ट कान में टक टक जैसी इनको आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद जब चेक किया, आज 10 दिन के करीब हो चुका है ये भाई पूरी तरह से उस कान के रोग से जो है हील हो चुके हैं। आजाद है परमेश्वर का, थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर क्रिस्टीना की है, टोरंटो ब्रांच से ये इनकी भी टेस्टमनी के ये गवाही के प्लस टू की स्टडी इन्होंने जब कंप्लीट करी तो फर्दर स्टडी के लिए कनाडा जाना चाहते थे और इन्होंने 3 बार आयल्स का एग्जाम दिया और हर बार फेलियर का सामना करना पड़ा, डिज़ायर बैंड नहीं आते थे और काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे, लेकिन जब लगातार ये अंकुनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और कनाडा टोरंटो ब्रांच में इन्होंने पूरे फेथ के साथ अभी ये जा रहे हैं और पहले भी ये ऑनलाइन मीटिंग को लगातार अटेंड कर रहे थे, तो जब प्रेयर को लगातार रिसीव किया और परमेश्वर के दासी जब भी गाइड करते आपने बीज को बोना है तो बीजों को बोना शुरू किया। उसके बाद जब 4th टाइम इन्होंने आयल्स का एग्जाम दिया, वो टेस्ट इनका क्लियर हुआ और कनाडा के लिए फाइल गई, 2 साल के कनाडा के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, ये कनाडा पहुंच चुके हैं और ये कनाडा टोरंटो ब्रांच में जाके इन्होंने अपनी टेस्टमनी को दिया। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए। मॉन्ट्रियल ब्रांच से सिस्टर सोनू की टेस्टमनी हमारे पास के 1 महीना पहले इनकी बॉडी पर, शोल्डर्स पर, पीठ पर जख्म होने शुरू हो चुके थे, प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, गंदी स्मेल आती थी, दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ा और जब 24 मार्च 2024 को संडे मीटिंग के दौरान इवनिंग मीटिंग में ये मॉन्ट्रियल ब्रांच में मौजूद थे और परमेश्वर की दासी ने जब डिलीवरेंस के लिए, हीलिंग के लिए प्रेयर की, उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज 2 हफ्तों से ये बहन उस स्किन डिजीज से भी पूरी रीति के साथ आजाद हैं। थैंक्स करें परमेश्वर का इस हीलिंग के लिए। मॉन्ट्रियल ब्रांच से सिस्टर सुमन की टेस्ट बनी है, 11 साल से ये बहन डिप्रेशन में थी, सिर के ऊपर अजीब सा इनको भारी बोझ महसूस होता था, सुसाइडल थॉट्स आते थे, नींद नहीं आती थी। फिर 21 मई 2023 को मॉन्ट्रियल ब्रांच की ग्रैंड ओपनिंग में जब ये गए तो उस समय जब प्रेयर को वहाँ पे रिसीव किया, वर्शिप की, उसके बाद आज 10 महीने 17 दिन से ये पूरी तरह से उस डिप्रेशन से जो 11 साल से था उससे पूरी तरह से आज़ाद, उसके ऊपर कोई मेडिसिन कोई टैबलेट नहीं ली, परमेश्वर ने इनको उस डिप्रेशन से आज़ाद किया। सिस्टर पिंकी की टेस्टमनी है, टोरंटो चर्च ब्रांच से इनकी टेस्टमनी है के 3-4 हफ्तों से इनका लेफ्ट शोल्डर जो था वो फ्रीज हो चुका था और बाजू ने काम करना बंद कर दिया था, घर का काम नहीं होता था, कोई भारी वजन नहीं उठा पाते थे, लेकिन लगातार टोरंटो ब्रांच में आ रहे और जब परमेश्वर की दासी ने चंगाई के लिए प्रेयर की, उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद इनका जो शोल्डर फ्रीज था वो काम करने लगा और ये बहन पूरी तरह से हील है। सिस्टर शाहीन की टेस्टमनी है टोरंटो ब्रांच से, 8 महीने से इनके राइट पैर के ऊपर भयंकर दर्द रहना शुरू हुआ और उसके बाद बिल्कुल भी ये चल फिर नहीं पाते थे, पैर के ऊपर भार नहीं डाल पा रहे थे, कोई घर का काम नहीं कर पाते थे। ये बहन खुद एक नर्स हैं, इस रोग के कारण ये जॉब पर भी नहीं जा पाते थे, डे बाय डे ये रोग बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ने एक्सरे करने के बाद बताया कि राइट पैर की जो इंटरनल बोन है वो उसका साइज बढ़ चुका है और आगे भी ये बढ़ती रहेगी और एक नर्स होने के कारण इन्हें पता था कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है, पर इनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। फिर 29 मार्च 2024 को गुड फ्राइडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी कि तुम भी जी उठो और ये भविष्यवाणी करता हूँ कि आपकी बीमारियाँ खत्म हो रही है, उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद, उस प्रोफेसी को सुनने के बाद इनका जो पैर का रोग था वो खत्म हुआ और 9 दिन से ये बहन पूरी तरह से आज़ाद है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। इस चंगाई के लिए खुदा का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टमनी बर्मिंगम ब्रांच से है, सिस्टर तानिया की है कि 2023 में इन्होंने ग्रेजुएशन स्टडी जब अपनी कंप्लीट करी तो उसके बाद हार्ट डिज़ायर थी कि ये यूके में जाके गवर्नमेंट जॉब चाहते थे। 2023 में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी करा लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था और जब भी बीज बोने का अवसर मिला तो लगातार बीजों को बोया और उसके बाद परमेश्वर ने आईटी डिपार्टमेंट में इनको सिविल सर्विस ऑफिसर की जॉब के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। मॉन्ट्रियल ब्रांच से सिस्टर संदीप की टेस्टमनी है, इनके बेटे की गवाही है, 4 साल की उम्र है उसकी। दिसंबर 2023 में इनके बेटे को गुप्तांग में बहुत ज़्यादा पेन रहनी शुरू हो चुकी थी और वो रोता था हर वक्त, इतनी तकलीफ बढ़ती जा रही थी, पर ये लगातार मॉन्ट्रियल ब्रांच में जाते गए, अनॉइंटिंग ऑयल को अपने बेटे के उस पार्ट के ऊपर लगाते गए और परमेश्वर ने इनके बेटे को उस रोग से आज़ाद किया, पूरी तरह से वो हील है। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। गवाहियों के लिए, इन हीलिंग के लिए, इन चंगाइयों के लिए, ब्लेसिंग के लिए जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे बड़ी और अद्भुत गवाहियों के लिए। थैंक यू जीसस हालेलुया। रूह पाक खुदा
बना, मेरा जीवन बना। हजूरी तेरी है जो पार कर देगी मुझको नया। हजूरी तेरी है जो पार कर देगी मुझको नया। तू चेलों को भरता था जैसे तू मुझको भी भर, यीशु मुझको भी भर। तू चेलों को भरता था जैसे यीशु मुझको भी भर, आज मुझको भी भर। रूहे पाके खुदा तू आ, मेरा जीवन बना, मेरा जीवन बना। रूहे पाक खुदा तू आ, मेरा जीवन बना, मेरा जीवन बना। रूहे पाक खुदा तू आ, मेरा जीवन बना, मेरा जीवन। रूहे पाके खुदा तू आ, मेरा जीवन बना, मेरा जीवन बना। रूहे पाके खुदा तू आ, मेरा जीवन बना, मेरा जीवन बना। रूहे पाके रूहे पाके खुदा तू आ,
जीवन बना मेरा जीवन बना।
तारीफ करें सज्जन तालियों के साथ, उसकी हजूरी बनना चाहिए हमारे बीच में सज्जन। मेरी जान नू बचाया तेरे प्यार ने, मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने, मेरी जान नू बचाया तेरे प्यार ने, मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने। मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा, मेरा कोई वजूद ना हुंदा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। खुदावंद, तेरा पवित्र आत्मा आज तेरे लोगों को छुए, तेरे लोगों को फ्री करे, तेरे लोगों को आजाद करे। तेरा पाक रूह खुदावंद बड़े बड़े रास्तों को इनकी जिंदगियों से साफ करे। हर तरह का रोग, कमजोरियां इनकी जिंदगियों से निकले खुदावंद, और इनके हृदयों में तेरी ओर से शांति उतरे खुदावंद। आज ये तेरे वचन को सुने और कभी भी सेम न रहे, प्रभु यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आज जब आप परमेश्वर के वर्ड को सुनेंगे, आपकी लाइफ जो है कभी भी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि वचन के ज़रिए से हमें ये बात समझ में आ रही है। वचन हमें ये बताता है कि किस रीति के साथ बाइबल का एक एक शब्द, बाइबल का एक एक बिंदु जो है उसकी कितनी बड़ी अहमियत है। ईस्टर के दिन हमने सुना किस तरह से जो थैंक्स गिविंग है वो आपकी लाइफ के बंधनों को तोड़ती है, किस तरह से दैनियल अपनी लाइफ में चला और उसने परमेश्वर से बरकतों को पाया। वचन कहता है कि दैनियल जब परमेश्वर के वचनों पे खड़ा रहना उसकी आदत बन गई, उसके बाद भी उसे शेरों की मांद में डालने के लिए एक योजना बनाई गई कि राजा को बोला गया कि तेरे अलावा अगर कोई और देवता की उपासना करे तो शेरों की मांद में डाला जाए। राजा को मालूम नहीं था ये दैनियल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वचन कहता है कि दैनियल जिस तरह पहले प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसे ही करता रहा। इसका मतलब कि उसके जीवन की जो परिस्थितियां थी वो उसको थैंक्स करने से रोक नहीं पाई। जो परमेश्वर की थैंक्स गिविंग थी वो उसकी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं थी। वो हमारे लिए मारा गया क्या इतना काफी नहीं है? उसने हमें सेव किया, स्वर्ग राज्य के वारिस बनाया क्या इतना काफी नहीं है? जब हम इन चीज़ों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करेंगे आत्मिक चीज़ों के लिए, तो शारीरिक चीज़ें भी दैनियल के पास बहुत थी। आज जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमेशा पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने वचनों की गहराई जो है वो मुझ पे जाहिर कर। आज जब हम देखते हैं कि किस रीति के साथ बाइबल का जो सिंगल सिंगल वर्ड है वो इतना पावरफुल है और उसका इतना डीप मीनिंग है, जिस तरह मत्ती 15 उसकी 23 आयत में लिखा, जब हम इस पूरी घटना को पढ़ते हैं, मैं आपके लिए 21 आयत से पढ़ूंगा ताकि आपको इसका पूरा समझ आए मैं कहां से बात कर रहा हूं। यीशु वहां से निकलकर सूर सैदा के प्रदेश की ओर चले गए और उस प्रदेश से कनानी स्त्री निकली और कहने लगी, चिल्लाई, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत ही सताता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती की और उसे विदा कर क्योंकि हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु ने कहा, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, परंतु वे आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। यहाँ पर एक औरत है जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, शैतान ने जिस पर कब्जा किया है। बाइबल कहती है कि वो पुकारती है और जीसस क्राइस्ट उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन जब वो सामने आती है, इस आयत में लिखा है, परंतु वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। ये आयत है मत्ती 15 उसकी 25 आयत, उसमें लिखा है, देन केम शी एंड वर्शिप्ड हिम, कि जब वो आई और प्रभु को वर्शिप करके कहने लगी, प्रभु मेरी मदद कर। पौलुस और सिलास ने, बाइबल कहती, जब उनको बांधा गया था,
प्रचार के कारण लोगों ने उसे पकड़ लिया, सरकार ने पकड़ कर उनको किलों में पांव ठोक दिए, उनको जेल में डाल दिया। तो वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि पौलुस और सिलास ने जेल के अंदर से वर्शिप की और परमेश्वर ने भूकंप भेजा और जेल की नींवें हिल गई, बंधन खुल गए, रस्सियां खुल गई, संगल खुल गए और सब कैदी उनकी सुन रहे थे और हैरान थे। और जो दरोगा था वो डर गया कि सब कैदी भाग गए और वो अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहता था कि राजा उसे मृत्यु दंड देगा, लेकिन पौलुस और सिलास ने कहा हम यहीं हैं। और वो उनको घर लेके गया, उनके घाव पर बाइबल कहती है मरहम पट्टी बांधी, दाखरस, उसको क्रीम लगाई, उसको अइंटमेंट लगाई, उससे बपतिस्मा लिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? पौलुस और सिलास की वर्शिप छूटने के बाद वाली वर्शिप नहीं थी, कंडीशनल वर्शिप नहीं थी। पौलुस और सिलास की वर्शिप अनकंडीशनल थी। दानियल क्यों छुड़ाया गया मौत के मुंह से? वो थैंक्स गिविंग अनकंडीशनल थी। किसी बात को लेकर थैंक्स करना ये तो पापी लोग भी कर लेते हैं, लेकिन बाइबल का वचन कहता है जब हम भजन संहिता 106 को हम निकालेंगे उसकी एक आयत में, उसमें लिखा है यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर ने वचन क्या कहता है, कौन लोग छुड़ाए गए? यहोना बपतिस्मा दाता एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड था, लेकिन उसकी राइट अप्रोच परमेश्वर के पास नहीं रही जब उसने जीसस क्राइस्ट को ताना मारा कि क्या तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं, जबकि उसे मालूम था वो वही है। तो राइट अप्रोच ना होने के कारण वो छुटकारे को नहीं देख पाया। जीसस क्राइस्ट जब लाजर की कब्र के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, अभी मुर्दा जिंदा नहीं हुआ, धन्यवाद पहले गया। अभी दानियल शेरों की मान से छुड़ाया नहीं गया, पहले धन्यवाद किया। पौलुस और सिलास अभी आजाद नहीं हुए, अभी बंधे हुए हैं, दर्द हो रही है, बॉन्डेज में है, फ्यूचर अनसर्टन है, मालूम नहीं क्या होगा फ्यूचर में, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, बट वो वर्शिप कर रहे हैं। अगर आपकी वर्शिप अनकंडीशनल है, थैंक्स गिविंग अनकंडीशनल है, बाइबल कहती है कि वो पहले आई और उसने वर्शिप, शी वर्शिप जीसस, पहले दुष्ट आत्मा छोड़ के नहीं गया, पहले वर्शिप की। हम परमेश्वर के कर्जदार हैं, परमेश्वर हमारा कर्जदार नहीं है, हम उसको मानेंगे कोई एहसान नहीं है। हम 6 घंटे भी प्रार्थना कर लेंगे, वो कोई बंधा हुआ नहीं है कि वो हमें छुड़ाएगा, उसने हमारा कर्जा नहीं देना। वो अपनी महिमा के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए, अपने भलेपन के लिए काम करता है कि वो भला है। वचन कहता है कि यहोवा की स्तुति करो। आज संडे के मॉर्निंग मीटिंग में मैंने बताया कि स्तुति का मतलब क्या है। आज लोगों को मालूम होना चाहिए कि वर्शिप कैसे की जाती है। जब हम भजन संहिता 106 उसकी एक आयत पढ़ते, प्रेज ही द लॉर्ड, प्रेज का मतलब है हलाल, हलाल का मतलब है टू शाइन, टू मेक ए शो, टू बोस्ट, परमेश्वर के ऊपर बोस्ट करना, घमंड करना, परमेश्वर की ऊपर एक लिखा जोरदार आवाज से परमेश्वर की वर्शिप करना, फास्ट पेस में रेव, जो वर्ड्स मैं आपको अभी आपकी स्क्रीन्स के ऊपर आएंगे। हलाल का मतलब क्या है? वसीफरस, क्लैमरस, यानी एक लाउड आवाज के साथ वर्शिप करना। रेव पार्टी कहते हैं हम जा रहे हैं, यूथ कहता है, यानी एक उसका मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग म्यूजिक और फास्ट पेस और टू मच परमेश्वर की प्रशंसा करना। लेकिन आज जब हम चर्च में लोगों को नाचते हुए देखते हैं, हम बोलते हैं ये पागल है, ऐसे थोड़ी वर्शिप होती। आप ताली नहीं बजाने देते लोगों को, आपकी ताली भी सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए, लेकिन ऐसे वर्शिप नहीं होती। इब्रानी भाषा में वर्शिप का मतलब है हलाल, हलाल का मतलब अगर आप पढ़ेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, दस टू बी क्लैमरसली फुलिश, टू रेव, टू सेलिब्रेट, क्लैमरसली, क्लैमरस मतलब एक्सप्रेसिंग बाय प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट होता है जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मतलब आवाज निकालना, इकट्ठे आवाज निकालना।
वसीफरस का मतलब अपनी भावनाओं विचारों को जोरदार तरीके से प्रकट करना, वर्शिप करना, नाचना। दाऊद वर्शिप कर रहा था, नाच रहा था, उसके कपड़े इधर उधर हो रहे थे। वाइफ कहती है, तू पागल हो गया, तू राजा है। दाऊद ने कहा, मैं नीचा बनूंगा ताकि प्रभु मुझे ऊंचा करे, मैं नीचे जाऊंगा ताकि परमेश्वर मुझे ब्लेस करे। और दाऊद को कोई उस गद्दी से हिला नहीं सका, वो रिटायर हुआ। नहीं तो राजा मरते थे तो उसके बेटे गद्दी पर बैठते थे। वो मरने से पहले, बुढ़ापे में जाने से पहले, इतना बूढ़ा होता था कि कपड़े भी उसको गर्म नहीं कर पाते थे। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि वो रिटायर हुआ। क्यों? उसे वर्शिप करना आता था। उसने गलती की, उसको असर भी हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ टाइम उसकी लाइफ में रहे, पर वो प्रार्थना करने वाला, वर्शिप करने वाला, थैंक्स गिविंग देने वाला इंसान था। हालेलुया। वचन कहता है कि जो वर्शिप का मतलब है सेलिब्रेट करना, बोस्ट करना, टू बी क्लैमरसली फुलिश। क्लैमरस का मतलब है मेक ए लाउड नॉइस। कि लाउड नॉइस लगता है कि यार मूर्ख लोग हैं। आप इमेजिन करो, कहीं वर्शिप कर, कई चर्च में वर्शिप करते, हाथ ना हिल जाए, कपड़े ना हिल जाए, बॉडी ना हिल, वो इतने अपनी मैं में खो चुके हैं, इतने ज्यादा वो अपने आप में खो चुके हैं कि वो परमेश्वर में समा ही नहीं रहे लोग। इसीलिए अगर आप डिलीवरेंस की बात करें, उनकी लाइफ अगर आप देखेंगे, कोई डिलीवरेंस नहीं, फैमिली में कोई डिलीवरेंस नहीं है, उनके बच्चों की लाइफ में कोई डिलीवरेंस नहीं, उनको भी मालूम है। क्योंकि डिलीवरेंस के लिए वर्शिप चाहिए। कौन सी वर्शिप? ओरिजिनल जो वचन में लिखा है, हलाल वर्शिप, HAWLAL, टू बी क्लियर, टू शाइन, टू मेक ए शो, टू बोस्ट, क्लैमरसली फुलिश, रेव, स्ट्रॉन्ग वर्शिप। टू प्रेज समथिंग वेरी मच, रेव का मतलब है, रेव पार्टी का मतलब होता है कि डांस पार्टी ऐसी जो फास्ट पेस हो, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ, लाइट शोज के साथ, धमक चमक धमक। परमेश्वर कहता है ऐसी वर्शिप करो, चमक और धमक वाली। फुलिश लगता था दाऊद की वाइफ को, लोगों को फुलिश लग सकता था, वर्शिप जब तालियां बजाते जब झूमते हैं, लोगों को फुलिश लग सकता है, लेकिन ये रियल वर्शिप है और यही आपको छुड़ाती है। वो सोफिस्टिकेटेड वाली वर्शिप आपको छुड़ाती नहीं है। उसमें आप इतने मैं में, इतने अपने आप में आप खो चुके हैं, आपके अपना आप आपका इतना हावी है कि आप प्रभु से छुटकारा नहीं ले पा रहे हैं। जीसस ने कहा है, मेरे प्रार्थना किया करो बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। स्टार्ट विद वर्शिप। प्रार्थना वर्शिप के साथ स्टार्ट करें, लाइफ में वर्शिप की आदत बनाएं। किस तरह की चर्च में वर्शिप करें, कैसे चर्च में जाएं जहां वर्शिप होती हो, ताकि आप छूटें। अगर आप छूटेंगे नहीं तो क्या फायदा है आपका? अगर आप ऐसी क्रिश्चियनिटी को शो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी टेस्टिमनी को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। आप यहोवा का, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, स्तुति करो, फिर थैंक्स करो। स्तुति अनकंडीशनली, थैंक्स अनकंडीशनली। आज दे दिया थैंक्स, कल नहीं दिया, क्यों किया प्रभु ऐसा? नो। अपनी लाइफ को, अपनी स्पिरिट को सेट करें और परमेश्वर के पीछे चलें। किस तरह से स्तुति करनी है? लाउड, गंभीर स्वर से भी लिखा है। अपने आप को भूल के, मेरे को बहुत शर्म आती थी वर्शिप करने में। और 2004 या 5 की बात है जब मैं प्रभु में आया, शायद कुछ ही महीने मुझे हुए होंगे आए हुए, तो एक मीटिंग थी फिरोजपुर में, तो मेरे को कुछ लोग ले गए मीटिंग में, और मैं इतना ज़्यादा शाई था, और शाई भी था सेकंड, अकेले शाई होने की वजह से नहीं, इविल स्पिरिट के अटैक्स की वजह से। मैं हमेशा बैठता तो फ्रंट पे ही था, लेकिन सिर नीचे करके मैं तालियों को बजाता था और हमेशा छूटने की कोशिश करता था शैतान से। तो वहाँ पे किसी सिस्टर ने कहा, अब हम भाई अंकुर के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे। अब इमेजिन करो कि मेरी आसमान ज़मीन एक हो गया उस समय। ये क्या हो गया मेरे साथ कि मुझे अब स्टेज पे चढ़ के, सामने स्टेज थी, ऊपर बैठे थे सभी, स्टेज के ऊपर बैठे थे, बैठकर गा रहे थे,
तो मैं चढ़ा, मैंने अपनी हिम्मत इकट्ठी की, चढ़ा और मैंने गीत गाया, कंड्या दे ताज वा लिया, साडे नाल प्यार पा लिया। आत्मा उतरा और मुझे अभी तक वो महज 20 साल हो गए उस चीज को, 20 साल के करीब, लेकिन अभी तक मुझे वो फीलिंग मालूम है वो क्या थी। और मुझे मालूम था मैं छूटा हूं, मैं फ्री हुआ हूं, और मेरी आदत थी अगर करनी है तो फिर फुल करनी है। तो मैंने फुल वर्शिप की तालियों के साथ, एंड में आत्मा उतरा, ढोल की धगड़ धगड़ भर साज बज रहा है, आत्मा उतर रहा है, तो फुल वर्शिप। और वर्शिप करने के बाद मुझे मालूम था कि किसी ने एक भार मेरी स्पिरिट से उठाकर फेंका है, मुझे डिलीवर किया है, और मैं बढ़ता चला गया परमेश्वर में। हालेलुया। भूल जाओ आपके आसपास कौन है, वर्शिप के टाइम वर्शिप, वर्शिप करो। अपने बच्चों को भी डिसिप्लिन करो कि वर्शिप के दौरान वो आपको तंग ना करें। ब्रांचेस में संडे स्कूल को पैदा किए जाएं ताकि वर्शिप के दौरान आप वर्शिप कर सकें, खुल के वर्शिप कर सकें। बच्चों के संडे स्कूल में जो संडे स्कूल की मैडम है वो वर्शिप करवाएं। वर्शिप आपकी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु आपको ब्लेस करे। बीमार अपनी बॉडीज पे हाथ रखे, वो आपको हील करे, वो आपको डिलीवर करे, हर तरह के रोग से वो आपको आजाद करे। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं इन जीसस नेम। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो इन जीसस नेम। हीलिंग आपकी बॉडी के अंदर जाए, आपकी फैमिली के मेंबर्स सेफ हो। मैं आपको आशीषित करता हूं इन जीसस नेम। आमेन, आमेन। जिनु करे खुदा बंदे उच्चा, ओ नी वो नी रे सकदा ए। जिनू करे खुदा बंद उच्चा, ओ दीवानी रे सकदा ए। जिनू आप जितावे यहोवा, जिनू आप जितावे यहोवा, ओ कदे ना हर सकदा ए। जिनू करे खुदा बंद उच्चा, ओ नीवा नहीं रे सकदा ए। जिनू करे खुदा बंद उच्चा, ओ नीवा नहीं रे सकदा ए। जिनू करे खुदा बंद उच्चा, ओ नीवा नहीं रे सकदा ए। जिनू करे खुदा बंद उच्चा, ओ नीवा नहीं रे सकदा ए। जिनू करे जिनू आप जतावे यहोवा, जिनू आप जतावे यहोवा, जिनू आप जतावे यहोवा, जिनू आप जतावे यहोवा, वो कदे ना हर सकदा है। जिनू करे जिनू आप जतावे यहोवा, आप जतावे यहोवा, जिनू आप जतावे यहोवा, जिनू आप जतावे यहोवा, वो कदे ना हर सकदा है। जिनू करे खुदा हालेलुया, जिनू करे खुदा बंदी उच्चा, ओ दीवा नहीं रह सकदा है। जिनू करे दे हथों गोलियत वरवांदा, दाऊद दे हथों गोलियत वरवांदा, दाऊद दे हथों गोलियत वरवांदा, दाऊद दे हथों गोलियत वरवांदा, मूसा दे हथों रा पानी चो बणोदा, मूसा दे हथों रा पानी चो बणोदा, दाऊद दे हथों गोलियत वरवांदा, मूसा दे हथों रा पानी चो बणोदा, मूसा दे हथों रा पानी चो बणोदा।
जीता जोर बनी जावे यहोवा, जीता जोर बनी जावे फिर से, जीता जोर बनी जावे यहोवा, जीता जोर बनी जावे यहोवा, इन बल ना रह सकदा जिनू कदे खुदा बंदी उच्चा, ओ नीवा नहीं रह सकदा जिनू आप जतावे यहोवा, जिनू आप जतावे यहोवा, जिनू आप जतावे यहोवा, आप जतावे यहोवा, ओ कदे ना हर सकदा जिनू कदे खुदा बंदी उच्चा, ओ नीवा नहीं रह सकदा जिनू कदे जिनू कदे खुदा बंदी उच्चा, ओ नी बनी रह सकदा ए, जिनू कदे खुदा बंदी उच्चा, ओ नी बनी रह सकदा ए। रूड़ी तो उठा के पत्ते बत्ता च बिठाउंदा, 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 जिसे ना कभी उस तख्त बिठाउंदा, जिसे ना कभी उस तख्त बिठाउंदा, रूड़ी तो उठा के पत्ते बत्ता च बिठाउंदा, जिसे ना कभी उस तख्त बिठाउंदा, जिसे ना कभी उस तख्त जिनू आप न जावे यहोवा, जिनू आप न जावे यहोवा, जिनू आप न जावे यहोवा, जिनू आप न जावे यहोवा। ऑनलाइन ब्रांचेस जितने भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, यूके ब्रांच, कनाडा ब्रांच, अमेरिका, सब ब्रांचे, अगर आप चाहते हैं कि दाऊद की तरह जैसे वो कभी भी अपनी लाइफ में जंग नहीं हारा, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई जंग ना हारे, खुल के नाचे, खुल के वर्शिप करें जैसे आज परमेश्वर के दास ने बताया, जिन्हों आप न जावे यहोवा, 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 ओ निराश न रह सकदा है जिन्हों करे हालेलुया, ओ दीवा नहीं रह सकदा है जिन्हों करे खुदा बंदी उच्चा, जिनू आप जतावे यहोवा, जिनू आप जतावे यहोवा, ओ कदे ना हर सकदा ए जिनू कदे खुदा उच्चा, ओ नीवा नहीं रह सकदा ए जिनू कदे उच्चा, ओ नीवा नहीं रह सकदा ए जिनू करे खुदा बंदी उच्चा, ओ नीवा नहीं रह सकदा ए। पाप नू मिटा के उता पाक बनाउंदा, पाप नू मिटा के उता पाक बनाउंदा, पाप नू मिटा के उता पाक बनाउंदा, तू ता तो भी सानू उत्तम बनाउंदा, तू ता तो भी सानू उत्तम बनाउंदा, पाप नू मिटा के उता पाक बनाउंदा, तू ता तो भी सानू उत्तम बनाउंदा, तू ता तो भी सानू उत्तम बनाउंदा, जिनू पुत्र बनावे यहोवा, जिनू पुत्र बनावे यहोवा, ओ गुलाम न रह सकदा ए बंदी उच्चा, तालियों के साथ जिनू करे खुदा बंदी।
जिन्हों करे खुदा बंदी उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकता है जिन्हों करे खुदा बंदी उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकता है जिन्हों आप जतावे यहोवा जिन्हों आप जतावे यहोवा वो कदे ना कर सकदा है जिन्हों कदे खुदा बंदी उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकदा है जिन्हों कदे खुदा बंदी उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकदा है जिन्हों कदे खुदा बंदी उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकदा है जिदा जोर बन जावे यहोवा जिदा जोर बन जावे यहोवा निर्बल ना रह सकदा है जिन्हों करे खुदा बंदी उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकदा है जिन्हों करे खुदा बंदी उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकदा है जिन्हों आप न जावे यहोवा 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 ओ निराश न रह सकदा है जिन्हों करे खुदा बंदी उच्चा सजन के ओ नीवा नहीं रह सकदा है जिन्हों करे खुदा बंदी उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकदा है जिन्हों पुत्र बनावे यहोवा जिन्हों पुत्र बनावे यहोवा जिन्हों पुत्र बनावे यहोवा वो गुलाम न रह सकदा है जिन्हों करे खुदा बंदी उच्चा यस अपने हाथों को उठा के सज्जन अपने हाथों को हिला के हुए सब सज्जन जिन्हों करे हालेलुया 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 सभी जन प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार करें सभी फॉरेन ब्रांचेस ऑनलाइन क्लीस हैं जितने भी जन मुझे देख रहे हैं अपने आप को अपनी स्पिरिट में पूरी तरह से तैयार करें मास प्रेयर के लिए फायर से भरी प्रार्थनाओं के लिए क्योंकि मैं एक अनॉइंटेड प्लेस से आप लोगों के लिए प्रेयर करूंगी सो सभी जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं एक मन हो स्पिरिट में परमेश्वर के साथ प्रभु की आत्मा के साथ अपने आप को स्पिरिट में जोड़ें अंगीकार करने के लिए शैतान को डांटने के लिए फायर को भेजने के लिए तैयार करें अपने आप को क्योंकि ये मास प्रेयर ये फायर प्रेयर में आप ढीले और आलस में रहकर हम प्रेयर नहीं करते सोए सोए प्रेयर नहीं करते लेकिन आत्मा में फायर के साथ लाइक अ वॉरियर हम शैतान के साथ लड़ते हैं और परमेश्वर हमें विजयी करता है खुदावंद हमें उस शर्मिंदगी से उन प्रॉब्लम से बाहर निकालता है खुदावंद और ग्रेट टेस्टिमनीज हमारी लाइफ में भेजता है सो अपने आप को फायर से भरी प्रेयर को करने के लिए तैयार है क्योंकि आप जानते हैं शैतान ठीक है शैतान जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है उसे समझ है हर चीज़ की वो आपके माइंड को पढ़ता है आपके एक्शंस को देखता है तो उस शैतान से लड़ने के लिए हमें भी वॉरियर बनना होगा प्रेयर में वॉरियर बनना होगा अपने आप को तैयार करें अपने हाथ को उठाएं सभी जन सभी क्लीसें सभी फॉरेन ब्रांचेस ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए आज ब्लेस कर सके और खुदावंद अपना हेवन खोले और आप पवित्र आत्मा से उसके सामर्थ्य के साथ आप लोग भर सके तो सभी जन मेरे साथ एक मन होकर आंखों को बंद करके प्रेयर करेंगे परमेश्वर तेरा आत्मा छुए खुदावन मैं स्पिरिट में एक एक जन को टच करती हूँ जितने भी ऑनलाइन क्लीस हैं फॉरेन ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स हैं जितने प्रेयर रिक्वेस्ट पेपर्स हैं परमेश्वर तेरा आत्मा छुए मैं टच करती हूँ स्पिरिट में एक एक जन को और प्रेयर टीम भी टच करेगी उन प्रेयर रिक्वेस्ट पेपर्स को टच करते आत्मा में खुदावन तेरा आत्मा छुए इनकी लाइफ इनकी बॉडी इनके सिस्टम से हर तरह की नामधराई हर तरह की शर्मिंदगी हर तरह का शैतानी अटैक शत्रु का अटैक एनिमीज का अटैक हर तरह के नेगेटिव वर्ड जो इनके खिलाफ बोले गए हर तरह के
प्लानिंग प्लॉटिंग जो शैतान ने इनके खिलाफ की, हर तरह के फेलियर की स्प्रेड, हर तरह की प्रेयरलेसनेस की स्प्रेड को, व्यभिचार की गंदी आत्माओं को, डिले की स्प्रेड को इनकी लाइफ से खत्म होने के लिए घोषणा करते हैं। टच करते हैं स्प्रेड में परमेश्वर तेरा आत्मा छुए, टच करते हैं हर तरह के शैतानी डेविलिश इन्फ्लुएंस जो है खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक डेविलिश इन्फ्लुएंस जो इनके बॉडी के ऊपर, इनके माइंड के ऊपर, थॉट्स के ऊपर, इनके परिवारों में डेविलिश इन्फ्लुएंस खत्म हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। होली गॉस्ट फायर के साथ वो डेविलिश इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए, वो शैतान का प्रभाव असर खत्म हो जाए, वो जादू टोने का असर खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो शैतान का असर, जादू टोने का असर खत्म है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो असर पूरी तरह से खत्म है इन जीसस ने। वो शैतान का असर खत्म है। उस डेविल के ऊपर, दुष्ट आत्मा के ऊपर आग को भेजते, होली गॉस्ट फायर को भेजते, होली गॉस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए वो डेविल, वो शैतान, वो शैतानी असर फायर के साथ जल के नाश हो जाए। इन लोगों से, फॉरेन क्रिश्चियनों से, इन ऑनलाइन व्यूअर्स से, प्रेयर रिक्वेस्ट पेपर से, जो लाखों प्रेयर रिक्वेस्ट पेपर्स हमारे सामने, वो शैतान का असर खत्म है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फायर को भेजते हैं परमेश्वर की, उस फायर को, पवित्र फायर को, परमेश्वर की फायर को इस शैतान के ऊपर, डेविल के ऊपर भेजते हैं, जो इन लोगों की बॉडी पे, इनके लाइफ के ऊपर असर करते हैं, इनके ब्लड, इनके सिस्टम के ऊपर, इनके ऑर्गन के ऊपर जो शैतान असर करता है, इन्फ्लुएंस करता है, बीमारी को लेकर आता है, वो शैतान होली गॉस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। होली गॉस्ट फायर के साथ वो जल के नाश हो जाए अभी, राइट नाउ आई कमांड शैतान होली गॉस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। इनकी बॉडी, इनके ब्लड को, इनके सिस्टम को मैं फ्री करती हूँ हर तरह के डेविलिश अटैक से, हर तरह की शैतानी अटैक से, हर तरह के डेविलिश इन्फ्लुएंस से इन्हें मैं टोटली फ्री करती हूँ, जीसस नेम फ्री करती हूँ। हर तरह का शैतानी असर खत्म हो जाए, हर तरह का शैतानी असर बेअसर है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन व्यूअर्स से हर तरह का शैतानी असर बेअसर है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखे, खुदा उत्तर आत्मा छुए परमेश्वर, मैंने स्पिरिट में टच करती हूँ एक जन को परमेश्वर, वो रोग, वो बीमारी, वो सिर के रोग, वो आंखों के रोग, वो गले के रोग, उनकी बहरी दुष्ट आत्माएं, वो अटैक, वो रसौलियां, पत्थरियां पूरी तरह से गायब हो जाए, बीमारियां गायब हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं टच करती हूँ और हीलिंग की घोषणा करती हूँ, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड, बी क्योर इन जीसस नेम, be healed, be free in Jesus' name, be free in Jesus' name। खुदावंत तेरा आत्मा छुए, हालेलुया, अपने हाथों को उठाएं, धन्यवाद यीशु, तेरा आत्मा छुए खुदावंत। जितनी भी दुष्ट आत्माएं इनके सपनों में अटैक करती हैं, जो ऑनलाइन लोग मुझे देख रहे हैं, दुष्ट आत्मा जो सपनों में अटैक करती, गंदी दुष्ट आत्मा, डर की स्प्रेड जो दबाव डालती है, वो शैतान जो सपनों में अटैक करता है, रात को सोते समय इन पर अटैक करता है, वो दुष्ट आत्मा आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, वो दुष्ट आत्मा आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड यू आउट, वो दुष्ट आत्मा आउट, वो डेविल आउट, वो अंधकार की शक्तियां आउट हो जाए, वो जादू टोना आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके सपनों में परमेश्वर तेरा आत्मा विजिट करे खुदावन, इनके सपनों में परमेश्वर हेवनली और एंजल्स की विजिटेशन हो जाए खुदावन, इनके सपनों में, इनके रात को जो दुष्ट आत्मा का अटैक पूरी तरह से खत्म है परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा की भरपूरी को मैं मांगती हूँ लोगों के ऊपर, इनकी बॉडीज के ऊपर, इनके फैमिलीज के ऊपर, तेरे पवित्र आत्मा की भरपूरी को मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी फिल्ड विद द होली गॉस्ट फायर, बी फिल्ड विद द होली गॉस्ट फायर, बी फिल्ड विद द होली गॉस्ट फायर, कमांड बी फिल्ड विद द होली गॉस्ट फायर, पवित्र आत्मा से भर जाओ, खुदा के दानों वरदानों से, परमेश्वर के फलों के साथ भर जाओ, गैर भाषा के वरदान के साथ भर जाओ, बी फिल्ड विद द होली गॉस्ट फायर, हर तरह के शैतानी असर खत्म है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
कमी है जिन लोगों में प्रेयर नहीं कर पाते खुदावन, वो प्रेयरलेसनेस की स्पिरिट खुदावन, वो चिंताओं की स्पिरिट, वो डिस्ट्रक्शन की स्पिरिट, वो कंफ्यूजन की स्पिरिट, वो चिंताओं टेंशन की स्पिरिट, वो स्पिरिट जो इन्हें परमेश्वर में बढ़ने से रोकती, जो प्रेयर करने में रुकावट है, वो डिस्ट्रैक्शंस, वो फोन की डिस्ट्रैक्शंस, वो टीवी की डिस्ट्रैक्शंस, वो किसी भी तरह की एडिक्शंस जो इन्हें प्रेयर में बैठने से रोकती हैं, वो फोकस में प्रेयर ना करने की एडिक्शन, वो प्रेयरलेसनेस की स्पिरिट को हम डांटेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। डांटते हैं उस आलस को, डांटते हैं उस डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट को, डांटते हैं उस कंफ्यूजन की स्पिरिट को, डांटते हैं आत्मा में, वो प्रेयर ना करने की गंदी आत्मा को डांटते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो स्पिरिट जो इन्हें प्रेयर करने से रोकती है, वो डांटते हैं उसे, जो आत्मा में बढ़ने से रोकती है, डांटते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरी प्रेयर की पावर, खुदावन तेरी प्रेयर की आत्मा परमेश्वर, तेरी प्रेयर करने की आदत खुदावन इन लोगों में समा जाए परमेश्वर। ये अपनी अपने टाइम का जो है दशमांश परमेश्वर प्रेयर में दे सके खुदावन, इनकी प्रेयर्स बढ़े खुदावन, इनकी प्रेयर्स बढ़े, इनकी प्रार्थनाएं बढ़े, ये प्रेयर्स में बैठ सके, घुटनों पर आ सके, इन्हें ताकत दे घुटनों पर आ सके परमेश्वर। वो डिस्ट्रैक्शन, वो आलस, वो खत्म है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन्हें प्रेयर के स्पिरिट को मैं भेजती हूँ, प्रेयर की स्पिरिट परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक एक जन पे आ जाए, वो प्रेयर करने की आत्मा इन लोगों में समा जाए, वो प्रभु यीशु मसीह की प्रेयर करने की आत्मा इन लोगों में समा जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो शैतान, वो जादू टोना जो उनकी लाइफ में शैतान ने भेजा है, वो खाने के द्वारा, अलग अलग तरह से, सपनों के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, और उन लोगों के द्वारा, एनिमीज के द्वारा, जो भी शैतान का असर, जो शैतान जादू टोना इनकी लाइफ में शैतान ने भेजा है, वो अभी बेअसर है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो बेअसर हो जाए, बेअसर हो जाए, बेअसर हो जाए। फ्री होने के लिए मैं घोषणा करती हूँ कि जब फ्री हो जाए हर तरह के शैतानी असर से, हर तरह के शैतानी प्रभाव से, हर तरह के शैतानी स्प्रेड से, हर एक जन फ्री हो जाए। इनकी बॉडी, इनके सिस्टम, इनके ब्लड, इनके घरों, इनके परिवारों, फैमिलीज, इनके बिजनेस के ऊपर परमेश्वर तेरे ब्लड को लगाती, तेरे ब्लड को लगाती हूँ परमेश्वर, इन्हें मैं फ्री करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आई कमांड यू फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। वो शैतान डेविलिश अटैक आउट है इन द नेम ऑफ जीसस। वो शैतान आउट है इन द नेम ऑफ जीसस। वो शैतान आउट है इनकी बॉडी से। वो शैतान जो बीमारियों को लेकर आता है, हर तरह की बीमारी को जो लेकर आता है शैतान, कैंसर को लेकर आता है, सिर के रोगों को लेकर आता है, हड्डियों के रोगों को लेकर आता है, ब्लड के रोगों को लेकर आता है, वो शैतान जो बीमारियों को लेकर आता है, आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आउट, आउट हो जाए, आउट हो जाए वो शैतान, आउट इनके परिवारों से। अब इनके बॉडीज को तेरा आत्मा छुए, वो बीमारियां छोड़ के जाती रहे, आउट हो जाए। वो दुष्ट आत्मा चीखे चिल्लाए और बाहर निकले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन लोगों से वो दुष्ट आत्मा आउट हो जाए, चीखे चिल्लाए और आउट हो जाए। कमान यू शैतान, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो शैतान आउट है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो बीमारियों को लेकर आता है, जो डर को पैदा करता है, जो इन्हें आगे बढ़ने से रोकता है, वो दुष्ट आत्मा पे आग को फेंकेंगे, वॉरियर्स आग को फेंकेंगे। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर, फायर, और दुष्ट आत्मा पे फायर इन जीसस नेम। वो दुष्ट आत्मा पे फायर इन जीसस नेम। वो दुष्ट आत्मा जल के नाश हो जाए, फायर इन जीसस नेम। नाश हो जाए दुष्ट आत्मा जो इनकी लाइफ में बीमारी को लेकर आती है, वो नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Let's go.
हाथ को उठाए धन्यवाद यीशु। हर तरह की अटैक, हर तरह की डिप्रेशन की स्पिरिट इन लोगों से, इनके दिमागों से, इनके जहन से निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की टेंशन, वरीज, चिंताएं खत्म हो जाए, डिप्रेशन खत्म हो जाए। डिप्रेशन जो है वो शारीरिक बीमारियों से भी वो कई बार भयानक रूप ले लेता है, ज्यादा खराब है डिप्रेशन। वो डिप्रेशन जो इनके सिरों पर बोझ है, जो इनके सिरों पर बर्डन है, जो इनके थॉट्स में चिंताएं हैं, वो सिरों पर जो बोझ है, बर्डन है, जो स्ट्रेस है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आउट करते हैं। वो डिप्रेशन अभी उतर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो डिप्रेशन अभी आउट हो जाए, हल्का फील करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद अभी हल्का फील करें ये। अभी जिन लोगों में डिप्रेशन की स्पिरिट काम करती है, वो डिप्रेशन अभी खत्म हो, वो डिप्रेशन अभी हट जाए इन लोगों से, इनके सिरों से हट जाए वो डिप्रेशन। ये अभी हल्का फील करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। अभी हल्का फील करें। वो स्पिरिट जो मूर्खता की स्पिरिट है, जो इन्हें आगे बढ़ने से रोकती है, इनकी ग्रोथ को रोकती है, इनकी इंक्रीमेंट्स प्रमोशंस को रोकती है, जो इनके कामों को बेहतरी के साथ, निपुणता के साथ कंप्लीट नहीं होने देती, जो इनके कामों को खराब करती है, जो मिसमैनेजमेंट है इन लोगों के घरों में, अनऑर्गेनाइज चीजें हैं, जो इन्हें पूरी तरह से बेहतरी के साथ वचन के अकॉर्डिंग जो है नहीं कंप्लीट करने देती, वो मूर्खता की स्पिरिट इन लोगों से, इन बहनों से प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो हट जाए, वो दूर हो जाए अभी यीशु मसीह के नाम में। वो मूर्खता की स्पिरिट जो इनके कामकाज पे असर करते हैं, इनके घरों के मैनेजमेंट पर असर करते हैं, इनके बच्चों को सही शिक्षा देने में जो है असर करती हैं, जो इनकी लाइफ पर बुरा असर डालती हैं, वो मूर्खता की स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हाथ को उठाएं। खुदावंद तेरी अनॉइंटिंग पावर, तेरी हीलिंग पावर, तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक इन लोगों को छुए। खुदावंद तेरे में अनॉइंटिंग को, तेरी सामर्थ को मैं रिलीज करती हूं एक-एक जन के ऊपर। खुदावंद आई रिलीज अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस, एक-एक जन के ऊपर, जितने भी आत्मा में मेरे साथ एक मन है, तेरे अभिषेक, तेरी अनॉइंटिंग को, तेरी सामर्थ को मैं रिलीज करती हूं एक-एक जन पे। तेरी सामर्थ को मैं रिलीज करती हूं। पुत्र आत्मा से भर जा, पवित्र आत्मा से भर जा, पवित्र आत्मा से भर जा। आई रिलीज द अनॉइंटिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी फिल्ड विद द होली गोस्ट फायर। बी फिल्ड विद द होली गोस्ट फायर। परमेश्वर जितने भी लोग किसी भी तरह के बंधन में है खुदावंद, जितने भी लोग बॉन्डेज में है, जिन लोगों को शैतान ने बांधा है, अपने हाथ को उठाएं।
वो नशे का बंधन, वो डर का बंधन, वो व्यभिचार का बंधन, वो आलस का बंधन, वो चोरी की आदत का बंधन, वो फोन का ज्यादा यूज करना, फोन पे लगे रहना वो बंधन, जिन भी बंधनों में शैतान ने बांधा, खुदावन उन बंधन को सभी जन अपनी स्प्रिट में देखें, किस बंधन में शैतान ने आपको बांधा, उस बंधन को हम खोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बंधन खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो चोरी का बंधन, वो व्यभिचार का बंधन, गंदी आदतों का बंधन, सीक्रेट सिंस का बंधन, वो झूठ बोलने की आदत का बंधन, वो नशे का बंधन, वो एडिक्शन, फोन की एडिक्शन, उन बंधन को हम खोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपनी अपनी लाइफ के उन बंधनों को खोले सभी जन स्पिरिट में, उन बंधनों को खोलते शैतानी बंधन खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतानी बंधन खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उन बंधनों को जो शैतानी ने बांधा मैं खोल देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो शैतानी बंधन खोलती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Be free in the name of Jesus। वो addictions, वो नशे के बंधन, वो हर तरह की गंदी आदतों के बंधनों को मैं तोड़ती हूँ, सेपरेट करती हूँ इन्हें शैतान से, शैतान के सर से बेसर करती हूँ, शैतान से अलग करती हूँ, शैतान के बंधनों से इन्हें खोल के अलग कर देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाएं ऑनलाइन क्लिस से, जिन लोगों ने भी परमेश्वर आज नए कामों को शुरू किया, अपने घरों को बना रहे हैं, मैरिजेस फिक्स हैं और मैरिजेस नज़दीक हैं, कई काम है जो कि शुरू किए हुए, कई काम है जो रास्ते में रुके हुए हैं, खुदावंद तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, वो रुके हुए काम कंप्लीट हो, वो कंप्लीट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो कंप्लीशन का आत्मा है इन लोगों में, वो रुके हुए काम बने, वो रुके हुए काम कंप्लीट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके घर जो इन्होंने बनाने शुरू किए वो कंप्लीट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके जो घरों में मैरिजेस फिक्स हुई है परमेश्वर, तेरी दया तेरी ग्लोरी इन लोगों के घरों में, इनके मैरिजेस में आए खुदावंद, वो मैरिजेस में परमेश्वर तेरा आत्मा जो है विजिट करे परमेश्वर, तेरे एंजल्स विजिट करे, वो मैरिजेस कंप्लीट हो सके तेरी प्रेजेंस में खुदावंद, वो काम जो इन्होंने शुरू किए, बिजनेस जो इन्होंने शुरू किए वो कंप्लीट हो सके, वो कंप्लीट हो सके गवाही के साथ कंप्लीट हो सके, तेरी जय जयकार के साथ वो कंप्लीट हो सके, वो काम जो शुरू किए वो टेस्टिमनी के साथ कंप्लीट हो सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो मूर्खता के स्प्रेड आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, वो मूर्खता वो डंपनेस आउट इन द नेम ऑफ जीसस, वो मूर्खता जो वचन को समझने में रुकावट है, वचन पर चलने में रुकावट है, इनके डेली रूटीन के कामों को सही ढंग से करने में रुकावट है, वो मूर्खता के स्प्रेड आउट इन द नेम ऑफ जीसस।
वो मूर्खता की स्पिरिट इन बहनों से आउट इन द नेम ऑफ जीसस, इन भाइयों से आउट इन द नेम ऑफ जीसस, इन बच्चों से, ऑनलाइन जितने भी बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, क्लिसियों में देख रहे हैं, फॉरेन ब्रांचेस में देख रहे हैं, वो बच्चों में से मूर्खता की स्प्रेड, वो डंपनेस खत्म है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मूर्खता आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इन बच्चों को ब्राइट फ्यूचर दे खुदावन, मैंने ब्लेस करते इन बच्चों को खुदावन, इनके ब्रेन्स को, इनके सिरों को खुदावन में टच करती हूँ, स्पिरिट में लेहन करती हूँ, हे परमेश्वर आत्मा छुए ने इन बच्चों को ब्राइट फ्यूचर के लिए तैयार करें, एक्सीलेंट की स्पिरिट, एक्सीलेंट का आत्मा इन लोगों में, इन बच्चों में समा जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, खुदावन अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सके, जितने भी अभी स्टूडेंट्स के परमेश्वर एग्जाम होने हैं अपने हाथ को उठाएं, सभी स्टूडेंट्स तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, इन्हें एक्सीलेंट का आत्मा दे खुदावन, एक्सीलेंट का आत्मा दे परमेश्वर, अपनी बुद्धि का, इंटेलिजेंस का आत्मा दे परमेश्वर, इन बच्चों में खुदावन तेरी सामर्थ्य समा जाए, तेरे ज्ञान और बुद्धि, तेरी विजडम समा जाए परमेश्वर, अच्छे से मेहनत के साथ परमेश्वर, हार्डवर्क के साथ, तेरे फेवर के साथ अपने एग्जाम्स को दें और उसमें अच्छे रिजल्ट्स के साथ ये सफल हो सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तारीफ करें, धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं परमेश्वर को, दस्तार वाले बाजों के साथ धन्यवाद के साथ मुंह से अंगीकार करते हैं, धन्यवाद करें, थैंक यू जीसस, जितने भी जन धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर, थैंक्स गिविंग की भेंट चढ़ा रहे हैं परमेश्वर, इन लोगों में जो भी नेगेटिविटी, नेगेटिव वर्ड्स जो शैतान ने, जो एनिमीज ने खुदावन इनकी लाइफ में बोले हैं खुदावन, वो नेगेटिव वर्ड्स मैं अभी बेअसर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जितने भी धन्यवाद कर रहे हैं खुदा का, अपने हाथ को उठाकर उछलते हुए कूदते हुए जितने भी धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर, वो नेगेटिव वर्ड्स जो इनकी लाइफ में शैतान ने बोले हैं, एनिमीज ने बोले, नेगेटिव वर्ड्स अभी बेअसर है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, I bless you, I release blessings in the mighty name of Jesus. एक एक जन के ऊपर सभी ब्रांच, यूके, कैनेडियन ब्रांच, अमेरिकन ब्रांचेस, पुर्तगाल ब्रांच, स्वीडन ब्रांच, तेरा आत्मा लोगों को छू रहा है परमेश्वर, वो नेगेटिव वर्ड्स बेअसर है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, खुदावन तेरा आत्मा छू रहा है, वो शैतान का डेविलिश असर जो है बेअसर है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप लोगों से आप फ्री हैं, आई ब्लेस यू, I bless you in the name of Jesus. सभी foreign branches को मैं bless करती हूँ, सभी foreign क्लीसियों को मैं आशीषित घोषित करती हूँ, सभी online क्लीसियों को मैं आशीषित घोषित करती हूँ, सभी prayer request papers पर जितनी भी prayer request हैं, सभी लोगों को, सभी केसों को मैं blessed और आशीषित घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, Hallelujah, thank you Jesus. सातवार online क्लीसियों, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. हालेलुया, धन्यवाद करें हालेलुया के साथ, थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, अपने स्थान पर बैठ जाएं, सभी ब्रांचेस, सभी क्लीसियां, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, और आप लोगों ने आज वचन को सुना, प्रेयर्स को रिसीव किया, आपने प्रेयर्स को किया, प्रेयर वॉरियर हैं आज से आप, आपकी प्रार्थनाएं आज से बढ़ेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी फॉरेन ब्रांचेस, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, हालेलुया, संडे जो है प्रभु का है, प्रभु के लिए पवित्र है, परमेश्वर का है संडे, हमें प्रभु का धन्यवाद करने का समय है कि हम प्रभु के घर में आए, हम संगति करें, एक संगति में बैठकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, सो जितने भी जन फॉरेन क्लीसियाओं में आ जाए हैं, आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं, आप धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर का, आप संगति में आए हैं, जीवित चर्च के साथ जुड़े हैं, आप प्रेयर्स को रिसीव कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, आप सभी जन ब्लेस्ड है, गॉड ब्लेस यू, इसी तरह से आत्मा में रहना है आप लोगों ने, और अपने अपने देशों में, अपने अपने एरियाज में, अपने अपने स्टेट्स में एवेंजलिज्म करते रहना है, सुसमाचार प्रचार करना है, सुसमाचारक बनना है, एवेंजलिज्म करना है, हालेलुया, डोर टू डोर लोगों के पास सोशल मीडिया के माध्यम से डोर टू डोर एवेंजलिज्म करके, और भी जैसे भी आप प्रभु के सुसमाचार को फैला सकते हैं, आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को साझा करें, हालेलुया, मैं आपको प्रभु के हाथों में सौंपती हूँ, और जिन लोगों में भी अभी भी लोग जो हैं आपके परिवारों में मसीह में नहीं आए, अनसेव्ड पर्सन्स हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ, जिन भी परिवारों में अभी भी अनसेव्ड, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका कोई बेटा, आपकी बेटी, आपके घर कोई बुज़ुर्ग,
आपके घर का एनी कोई भी पर्सन जो कि मसीह में नहीं अनसेव्ड है, उन लोगों के लिए मैं प्रेयर करती हूँ, अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु खुदावन, जिस रीति से परमेश्वर तूने हमें चुना, इन लोगों को चुना खुदावन, जिस रीति से तूने अपना आप व्यक्त किया, अपना आप जाहिर किया हम पर परमेश्वर, खुदावन तेरे अनुग्रह तेरी ग्रेस के बिना खुदावन कोई तुझे, वचन कहता है कि पिता तक नहीं कह सकता, परमेश्वर तक नहीं कह सकता। खुदावन तूने दया की है, खुदावन तूने अनुग्रह किया परमेश्वर, अपना आप जाहिर किया हम पर, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस ग्रेस के लिए, इस फेवर के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सो इन परिवारों में भी जो ऑनलाइन क्लिसियाँ हैं, फॉरन में क्लिसियाँ हैं, खुदावन जितने भी जन हैं अपने हाथों को उठाए हुए, जिन लोगों के परिवारों में, फैमिलीज में अनसेव्ड लोग हैं, इनके परिवारों के मेंबर जो अभी मसीह में नहीं बचाए नहीं गए, उन लोगों को, उन फैमिली मेंबर्स को तेरा आत्मा छुए, वो अनसेव्ड स्पिरिट जो है उनका कठोर हृदय है खुदावन, उस कठोर हार्ट को खुदावन नरम करें परमेश्वर, वो बैप्टिज्म ले खुदावन, वो बचाए जाएं खुदावन, वो सेव हो सके, वो हेवन के, वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सके परमेश्वर, तेरा आत्मा उन्हें छुए, उनके हार्ट्स, उनके दिलों में खुदावन अपने अपने प्रेम को खुदावन भर दे, अपना आप उन लोगों पर जाहिर कर, इनके हस्बैंड्स पर, इनके वाइफ्स के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर अपना आप जाहिर कर, इनके पेरेंट्स के ऊपर अपना आप जाहिर कर, इनके भाइयों के ऊपर अपना आप जाहिर कर, उनके कठोर हृदयों को सॉफ्ट कर खुदावन, नरम कर, अपने प्रेम से भर दे परमेश्वर, बैप्टिज्म ले, बचाए जाए खुदावन, तेरे कामों के लिए तैयार हो सके, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमेन आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। सो इसी रीति से सभी जन, सभी क्लीसियाँ आत्मा में रहें, लगातार अपने आप पर काम करते रहें, लगातार अपने आप को जांचें कि मुझ में क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या क्या, फ़ोन की ज़्यादा एडिक्शन तो नहीं, क्या टीवी देखने की ज़्यादा एडिक्शन तो नहीं, क्या ज़्यादा इधर उधर की बातें करने की, फ़ोन पे लगे रहने की एडिक्शन तो नहीं, क्या मेरा ध्यान तो नहीं भटकता, क्या मैं किसी और की ओर बुरी नज़र से तो नहीं देखता। सो दैट मीन्स के अपने आप पर काम करें इस हफ्ते, जो भी आपकी लाइफ में जो भी कमी है, जो कमज़ोरी है, जो घटी है, जो जा नहीं रही, आपको पता है, परमेश्वर को पता है, उसकी आत्मा को पता है, उन कमियों पर वर्क करें, उन कमज़ोरियों पर वर्क करें, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं गरीबों के लिए आया, मैं बीमारों के लिए आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ। सो जो भी कमी है उस पर वर्क करें, खुदावंद आपके साथ है, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, खुदा का आत्मा आपके अंदर है, आप किसी भी पाप को, किसी भी कमी को, किसी भी बुरी आदत को आप डिनाई करेंगे, मना करेंगे, तो जो खुदा का पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो आपको बल देगा कि आप उस आदत, उस एडिक्शन को छोड़ देंगे सदा के लिए। हालेलुया। स्टेप लें, खड़े हो जाएं, स्टेप लें, अपनी अपने आप पर काम करें कि मैं ये नशा नहीं करूंगा, मैं ये चीज नहीं करूंगा, मैं सीक्रेट सिंस नहीं करूंगा, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आज से जो है किसी की निंदा नहीं करूंगा, मैं अपनी पड़ोसन, अपनी जो देवरानी जिठानी के साथ मैं जेलसी नहीं करूंगा। अपने आप पर काम करें, खुदा का आत्मा आपके अंदर है, वो आपको बल देगा, आप उन बुरी आदतों को छोड़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और आप जीवित चर्च के साथ जुड़े हुए, सबसे बड़ी बात ये है, धन्यवाद है खुदा का, हालेलुया, कि परमेश्वर ने हमें जो है अपनी मंजिल तक हमें पहुंचाया, हम खुदा के घर के साथ जुड़े, परमेश्वर के जीवित भवन के साथ, जीवित चर्च के साथ जुड़े हैं। सो थैंक्स करें, जुड़े रहें प्रभु के घर के साथ, एवेंजेलिज्म में हिस्सा लें, लगातार हम अपनी स्पिरिचुअल फैमिलीज को हमें प्रेयर्स में याद रखें, हालेलुया। सभी फॉरेन ब्रांचेस, आप ब्लेस्ड हैं, गॉड ब्लेस यू, आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। सो लगातार बड़ी टेस्टमनीज आ रही हैं, परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, अमेजिंग टेस्टमनीज दे रहा है। सो टीम अभी टेस्टमनीज को देगी, हम उन टेस्टमनीज को सुनेंगे, विश्वास करेंगे, खुदावंद हमें भी छुएगा, हमें भी खुदावंद बेहतर बनाएगा, खुदावंद हमारी लाइफ में भी कार्य करेगा। उन टेस्टमनीज को विश्वास के साथ सभी सुने, तारीफ करें और धन्यवाद करें परमेश्वर का, उन टेस्टमनीज को सुन के सेलिब्रेट करें उन टेस्टमनीज को। प्रभु के दास कहते हैं ना कि जब आप किसी की टेस्टमनी को सेलिब्रेट करते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में भी टेस्टमनीज को क्रिएट करता है। गॉड ब्लेस यू सभी क्लीसियाँ, गॉड ब्लेस यू ऑल। तारीफ करें सब दिन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का, थैंक्स करें। या जैसे ही परमेश्वर की दासी ने जब
प्रेयर की, बहुत सारे लोगों ने अपनी टेस्टमनीज को भेजा है। पहली टेस्टमनी को हम सुनेंगे टोरंटो ब्रांच से, सिस्टर समृति इनका नाम है। 4 महीने से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, एक डिप्रेशन के अटैक इनके ऊपर लगातार हो रहे थे और इसकी वजह से माइंड के ऊपर अजीब सा बोझ हमेशा इनके ऊपर रहता था। और आज जैसे ये टोरंटो ब्रांच में आए और जब डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना हो रही थी उस समय प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, उसी टाइम एकदम से पवित्र आत्मा ने इनको छुआ, ये बहन नीचे गिर गए। उसके बाद जब इन्होंने अपने आप को उठ के चेक करके देखा तो ये बहन पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं, कोई भी अटैक कोई भी स्ट्रेस इनके माइंड के ऊपर नहीं है। परमेश्वर ने इस डिप्रेशन से इस बहन को आज़ाद किया, परमेश्वर का थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए। सिस्टर प्रतीक्षा की टेस्टमनी है हैरो ब्रांच से है कि काफ़ी दिनों से इनके ऊपर भी लगातार डिप्रेशन था और माइंड के ऊपर अजीब सा बोझ रहता था। आज जैसे ही इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, ये बहन भी डिलीवर हो चुके हैं। सिस्टर पिंदर कौर की टेस्टमनी है, इनकी गवाही है कि 2.5 महीने पहले इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था और जिसकी वजह से बॉडी की राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी, काम नहीं होता था और फैमिली के सहारे से ही चल पाते थे। और लगातार ये प्रेयर माउंटेन की सामर्थ्य के साथ जुड़े हैं, लगातार प्रेयर्स को रिसीव कर रहे हैं और परमेश्वर की आत्मा ने आज इनकी ज़िंदगी में काम किया और पैरालाइज के अटैक के कारण जो इनकी बॉडी की राइट साइड रुक गई थी वो पूरी तरह से आज हील हुई है और परमेश्वर ने इस बहन को हीलिंग दी। इस चंगाई के लिए उस जीवित खुदा का थैंक्स करें, इस चंगाई के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं जब प्रेयर होती है तो परमेश्वर का आत्मा लोगों को हील करता है, चाहे आप दूर बैठे हैं, चाहे आप फॉरन में बैठे हैं, चाहे आप इंडिया के अलग स्टेट्स में बैठे हैं। जब आप फेथ करते हैं कि जो बोला जा रहा है, जो वर्ड्स रिलीज किए जा रहे हैं, जो डिक्लेयर किए जा रहे हैं, वो आपकी डिलीवरेंस के लिए, आपके लिए छुटकारे के लिए, जब आप उसको ग्रहण करना शुरू कर देते हैं तो आपको परमेश्वर हील करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह से इतनी जो गवाहियां आई जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, सिस्टर बब्बू की टेस्टमनी है, इनकी गवाही के 7 महीने पहले एक्सीडेंट के दौरान इनके लेफ्ट पैर की जो एंकल की हड्डी है और बोन्स थी नीचे, वो फ्रैक्चर हो चुकी थी, प्लास्टर लगा हुआ था और फैमिली के सहारे चलते थे, अपने आप चला नहीं जाता था, लेकिन जैसे ही खुदा की सामर्थ ने इनको टच किया उसके बाद चेक करके देखा चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, खुदा ने इस बहन को चंगाई दी है। ब्रदर अजय कुमार ये पठानकोट से देख रहे थे मीटिंग को और 1 महीने से आँखों का रोग था, धुंधला नजर आता था, चश्मा लगा हुआ था, दवाइयाँ खाई, इलाज के बावजूद फर्क नहीं पड़ा। प्रेयर के बाद अपने आप को चेक किया तो बिना चश्मे के प्रॉपर ये जो हील हो चुके हैं। ब्रदर जशन लाल की जो टेस्टमनी है कि इनको 1 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था, बॉडी की लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक गई थी और इसी वजह से ये छड़ी का सहारा लेके चलते थे, इसके बिना खड़े तक नहीं इनसे हुआ जाता था, चला नहीं जाता था। प्रेयर को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की आत्मा ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और जो उस छड़ी का सहारा लेते थे उसको छोड़ के चल के चेक करके देखा, भाई पूरी तरह से हील है। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें हीलिंग्स के लिए। एक और गवाही सिस्टर सोनाक्षी की गवाही है कि 7 साल से इस बहन को पेट का रोग था, भूख नहीं लगती थी और बहुत ज़्यादा इनकी जो हालत ही ख़राब होती जा रही थी, खाना पीना जो प्रॉपरली ना खाने की वजह से बहुत ज़्यादा ये कमज़ोर होते जा रहे थे। डॉक्टर को चेक कराया, मेडिसिन खाने को बोला, अलग अलग 4-5 डॉक्टर चेंज किए, 2 साल दवाइयाँ खाई, फ़र्क नहीं पड़ा। पर यह बहन लगातार अंकुनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़े हैं, प्रेयर्स को रिसीव करते गए और परमेश्वर के आत्मा ने इनकी ज़िंदगी में काम किया कि इनको एकदम से यूरिन का प्रेशर आया, उसके बाद इनके गुप्तांग के जरिए से एक कीड़ा इनके गुप्तांग के जरिए से बाहर आया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके, कोई पेट का रोग नहीं है। परमेश्वर ने इस बहन को चंगाई दी है, इनका पेट बिल्कुल हील हो चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें, इस अद्भुत हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को महिमा दें। एक और बहुत बड़ी टेस्टमनी, आप इसको ध्यान से सुने, सिस्टर गुरप्रीत ये इटली में रहते हैं, इनकी टेस्टमनी के मार्च 2011 में इनकी शादी हुई थी, उसके बाद हस्बैंड वाइफ के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे और काफ़ी ज़्यादा जो इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स थी और बहुत ज़्यादा ये दिक्कत में थे, 12 साल से बेबी नहीं था पास और आज ये हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम चाहते कि नहीं कि मुझसे इनकी गवाही को हम एक बार सुने। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆ। 2 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਬੇਬੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਬੇਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਾਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। 2 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
जी सुन के सानू बहुत ही वधिया लगा। पापा जी उन्होंने बचन सुनाए जदों पापा जी ने फायर प्रेक की उन्होंने कहा कि दुष्ट आत्मा तुहानू छड्ड के जान जदों यह वर्ल्ड मेरे कन्नां दे विच पिया तो पवित्र आत्मा ने मैनू छूया तो मैं गिर गई। जदों मैं सेवा करनी शुरू कर दी तो जिस डॉक्यूमेंट दे मेरे मिस्टेक सी परमेश्वर ने हैल्पर भेजा तो वह मेरा डॉक्यूमेंट बन गया तो 20 नवंबर 2022 नूं साडे ते ले हैंड होया तो दिसंबर दे विच मैनू ब्रीडिंग होई जिहदे विच 3 रसौलियां निकलिया। जदों मैं अपना टैसट किया तो मैरिज के 12 साल बाद मेरा टैसट पॉजिटिव आया जिन्हों देख के असीं बहुत ज़्यादा खुश होए। 13 अगस्त नूं मैं चर्च दे विच बीज ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਿਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਊਟ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें सज्जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जब लेहेंड प्रेयर हुई परमेश्वर के आत्मा ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनके गुप्तांग के जरिए से 3 रसौलियां बाहर आई और जैसे ही वो रसौलियां बाहर आई उससे पहले इन्होंने जब प्रेयर को रिसीव किया दुष्ट आत्मा से फ्री हुए रसौलियां बाहर आई और उसके बाद मैरिज के 12 साल के बाद बेबी गर्ल के साथ ब्लेस हुए। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें कि जब वो सामर्थ्य हाथ वो स्पर्श इनकी जिंदगी पे आया इन दोनों के ऊपर लेहेंड प्रेयर हुई डिलीवरेंस हुई हीलिंग हुई और परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। और आप जानते हैं कि जब आप लगातार प्रेयर्स को अटेंड करते हैं परमेश्वर आपकी लाइफ में गवाही जरूर देते हैं। आपकी गवाही चाहे छोटी है आपको लगता होगा छोटी है लेकिन आपने भेजना है जस्ट आपने सेंड करना है आपकी टेस्टिमनी को दिखाया जाएगा। टेस्टिमनीज नंबर जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है इनके ऊपर अपनी गवाहियों को भेजें कि जो काम खुदा ने आपकी ज़िंदगी में किया है उसको आप भेजें ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए जो आपकी टेस्टिमनी है वो दिखाई जाए कि कैसे खुदा लोगों की ज़िंदगी में काम करें। तो लगातार आपने अपनी टेस्टिमनी को भेजते जाना है। तो ये समय ऑफरिंग बोने का तो अपनी ऑफरिंग अपने टाइथ अपने सीड को अपने हाथों में निकाल लें। वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे। आप जानते हैं कि आज आपने अपनी बेस्ट ऑफरिंग को बोना है आपने बेस्ट सीड को बोना है। टीवी चैनल की तरफ से जो पार्टनरशिप है आपने उस पार्टनरशिप को जरूर लेना है क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास का जो प्रीच है अभी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग देशों में जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो टीवी चैनल पार्टनरशिप आप जरूर लें। इसमें आपने मंथली अपने सीड को देना है लगातार 12 महीनों के लिए। तो इस पार्टनरशिप को आपने जरूर लेना है। और बाकी जो बैठे हैं अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहे वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं अपनी ऑफरिंग अपने टाइथ को उन बकेट्स में डालते जाएं और आप पार्टनरशिप्स को जरूर लें। टीवी मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म पार्टनरशिप टीवी चैनल पार्टनरशिप को माइटी वेन पार्टनरशिप को आपने जरूर लेना है। अपनी ऑफरिंग अपने सीड को इनमें भेजते जाना है और जब आप बोएंगे अपने सीड को तो इवेंजलिज्म का काम जो है सुसमाचार का काम और भी तेजी के साथ और भी स्पीड के साथ बढ़ता जाएगा। तो आज अपनी बेस्ट ऑफरिंग को बोएं बेस्ट सीड को बोएं पार्टनरशिप्स को जरूर लें और लगातार अपने सीड को आपने बोते जाना है। तो आप परमेश्वर के कामों के लिए अपने बेस्ट सीड को निकालें पार्टनरशिप्स को लें। और इस समय जो लोग भारत से इंडिया से आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं आप बैंक अकाउंट्स के जरिए जैसे कि ICICI बैंक उसका अकाउंट नंबर IFSC कोड उसकी फुल डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है और दूसरे बैंक का भी जो एड्रेस पूरा आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है अकाउंट नंबर IFSC कोड सारी डिटेल आपके सामने है। तो आप RTGS करके नेफ्ट करके IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग अपने सीड को भेज सकते हैं। ऑनलाइन मीडियम्स बहुत सारे लोग जो UPI एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स करने के लिए तो जीपे गूगल पे उसके QR कोड को स्कैन करें इसके जरिए इजीली आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। बैंक्स के QR कोड्स हैं इनको स्कैन करें ये 24 आवर्स ऑन रहते हैं तो ज़रूर इनका फ़ायदा उठाएं और इनके जरिए अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। और जो लोग फॉरेन से इस समय आप ब्रांच में बैठे हैं या ऐसे स्टेट से ऐसे देश से आप हमें देख रहे हैं जहां पे अभी चर्च की ब्रांच नहीं है तो आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके अपनी ऑफरिंग अपने टाइथ अपने सीड्स को भेजने के प्रति जानकारी ले सकते हैं। ये तीनों नंबर्स 24 घंटे ऑन रहते हैं तो आप जरूर कॉल करके मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन को लें तो टीम आपको गाइड करेगी कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को अपने सीड को भेजना है। जो लोग अभी आप भारत के रहने वाले हैं या जहां भी कहीं आप अपने घरों से मीटिंग को अटेंड करें तो अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में निकाल के रख लें। जिस दिन आपने चर्च में आना है चर्च ब्रांच में आना है तो खुद अपनी ऑफरिंग को वहाँ पर ड्रॉप करें ब्रांच में फॉरन में। इस समय जितने लोग हैं आज अपने बेस्ट सीड को बोएं बेस्ट बीज को निकालें। आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चैरिटी का काम सुसमाचार का काम जो ऑलरेडी बहुत स्पीड से हो रहा है
तो इन कामों को ध्यान में रखते हुए अपने बेस्ट सीड्स को बोएं, अपनी बढ़िया ऑफरिंग को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए, ताकि परमेश्वर के भवन में किसी चीज़ की घटी ना रहे। तो लगातार अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को बोते जाएं। जो ऑफरिंग डाल चुके हैं वो अपनी आंखों को बंद रखें और प्रार्थना में रहें। इबलीस के, इबलीस के, हालेलुया हालेलुया के उठे हर जो समा, हालेलुया हालेलुया के उठे हर जो अज भी अपना काम करेगा रूह बचावन वाला, अज भी अपना काम करेगा रूह बचावन वाला, मेरे ते अपना हाथ धरेगा, मेरे ते अपना हाथ धरेगा रूह बचावे वाला, अज भी अपना काम करेगा रूह बचावन वाला। जितने भी जन ब्रांचेस में हैं, अपनी ऑफरिंग को, अपने बेस्ट बीज को आज बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। पार्टनरशिप्स को जरूर आज अपने लेना है। जो ऑफरिंग डाल चुके हैं वो अपनी आंखों को बंद रखें और सब वर्शिप में जाएंगे। बरकत लेने लिया है खाते, बरकत लेके जावांगे, अज भी अपना काम करेगा रूह बचावन वाला, अज भी अपना काम करेगा रूह बचावन वाला, मेरे ते अपना हाथ धरेगा, मेरे ते अपना बचावने वाला, आज भी अपना काम करेगा रूह बचावने वाला। बरकत लेनी आए हाथे, बरकत लेके जावे, हाँ बरकत लेनी आए हाथे, बरकत लेके जावागे, बरकत लेके जावांगे। अपना नाम से दाती यकूब से वांगू बरकत पावांगे, अपना नाम से दाती यकूब से वांगू बरकत पावांगे, चोलियां रहमत नाल परेगा, चोलियां रहमत नाल परेगा, चोलियां रहमत नाल परेगा, चोलियां पंचावे बीमारी सूरत दिए मैनू दुख पहुंचावे, बीमारी दी सूरत किए मैनू दुख पहुंचावे, बीमारी दी सूरत दिए मैनू दुख पहुंचावे, चंगी गल ता ए होगी आप में
ਦੀ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈਏ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਜੁਗਾ ਬਚਾਵੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਲੁਹਾ ਬਚਾਵੇ ਵਾਲਾ ਅਰੇ ਭਈਆ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਲੁਹਾ ਬਚਾਵੇ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧਰੇਗਾ 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 ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਵੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਵੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਵੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਵੇ ਵਾਲਾ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਕੂਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਰਕਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਬਰਾਹਮ ਇਸਹਾਕ ਯਕੂਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਰਕਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਚੋਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ ਚੋਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਵੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਵੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧਰੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਵੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਵੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਵੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਏ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਵੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਵੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚਾਵੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਬਚਾਵੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਵੇ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਯੇਸੂ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰੇ ਯੇਸੂ ਆਣੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਯੇਸੂ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰੇ ਯੇਸੂ ਆਣੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਯੇਸੂ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰੇ ਯੇਸੂ ਆਣੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਚਾਉਂਦਾ ਏ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਗੁਣ
गुनाहगार जे होवे ओनू गल नाल लाउंदा ए हां किड्डा वी गुनाहगार जे होवे ओनू गल नाल लाउंदा ए किड्डा वी गुनाहगार जे होवे ओनू गल नाल लाउंदा ए हां किड्डा वी गुनाहगार जे होवे ओनू गल नाल लाउंदा ए हर पलियो दे नाल करेगा 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 जुगा बचावे वाला आज भी अपना दम करेगा जुगा बचावे वाला आज भी अपना दम करेगा जुगा बचावे वाला आज भी अपना दम करेगा जुआ बचावन वाला आज भी अपना दम करेगा जुआ बचावन वाला मेरे ते अपना हाथ धरेगा मेरे ते अपना हाथ धरेगा जुआ बचावन वाला आज भी अपना दम करेगा जुआ बचावन वाला आज भी अपना काम 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 करेगा जुआ बचावन वाला आज भी अपना दम 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 करेगा रूहा बचावन वाला हालेलुया तारीफ करें सज्जन जोर से अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले आज के दिन के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें हालेलुया कितने लोग आनंदित अपने हाथों को उठाओ जो खुश हैं हमारा विश्वास है कि आपका ब्रांच में आना आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा आप अपनी गवाही को लेकर अपने घर वापस जाएंगे परमेश्वर आपके रास्तों को ओपन करेगा आप ब्लेस होंगे परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में हालेलुया तो आज आपने मीटिंग को अटेंड किया आपने परमेश्वर के दास के वचनों को सुना आपने फायर प्रेयर को अटेंड किया हमारा विश्वास है कि आज आपका आना आपके लिए सेम न ठहरेगा आप ब्लेस होंगे परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में आप सेम नहीं होंगे परमेश्वर आपके रास्तों को ओपन करेगा एक्सीलेंट आपके परिवार की लाइफ का हिस्सा ठहरेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया तो लगातार आप परमेश्वर के हजूरे के साथ बन रहे हमारा विश्वास है कि आप ब्लेस्ड हैं अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले आज के दिन के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें हालेलुया धन्यवाद अगर सच में आप आनंदित हैं आप खुश हैं उसकी हजूरी में तो पूरे बल से पूरे जोर से वो आनंद जो खुदा ने आपको दिया है वो आनंद जो परमेश्वर ने दिया है और उसकी महिमा के लिए थैंक्स करते हो धन्यवाद देते हुए वचन कहता है ये वो आनंद है भाई जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता है और अगर आप परमेश्वर की हजूरी में बने हुए हैं तो आप बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे ये आनंद डबल होता जाएगा ये कम नहीं होगा हर हिस्से से छूके खुदा आपको आशीषित और ब्लेस करेगा हालेलुया सब अपनी आंखों को बंद करें प्रार्थना में जाएंगे थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु मसीह पवित्र 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 यहोवा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं तहे दिल से शुक्रगुजार हैं खुदावंत तेरी दया के लिए आपके अनुग्रह आपके फजल के लिए आपकी मोहब्बत के लिए परमेश्वर आपकी प्रेजेंस में बड़े आनंद को लिया खुदावंत आपके दास दासी के द्वारा जो वचन को ग्रहण किया उन शब्दों को सच में जिनको ग्रहण करने के द्वारा जिंदगियां सेम नहीं है परमेश्वर ये परिवार ये घराने एक एक जन जो तेरी हजूरी में प्रभु ये ब्लेस हों आशीषित हों इनका तेरी हजूरी में आना बड़ा आनंद जो तेरी हजूरी में इन्होंने पाया वो इनके लिए बड़ी ब्लेसिंग का कारण रहे हमेशा ही प्रभु तुझ में बढ़ते चले जाएं और आज हम एक एक जन को तेरे ब्लड में छुपाते हैं खुदावंद इनके वाइकल
इनका आना तेरी हजूरी में मुबारक रहे, इनके जाने के समय भी परमेश्वर तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे, तेरे दूत इनके जिंदगियों में सदा विजिट करें और ये सदा आनंदित रहें, किसी चीज की घटी ना रहे परमेश्वर, तेरी दया के अंदर तेरी सामर्थ में सदा ये इसी तरह से बढ़ते चले जाएं प्रभु, कृपा करें, हर एक चीज से इन्हें सुरक्षित घोषित करते हैं खुदावंद, शैतानी सब योजनाएं इनके जीवन के प्रति जो भी घड़ रहा है, जो भी इनकी घटी के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उन्हें कैंसल करते हैं यीशु, और मेरे पिता परमेश्वर आपके वचन में लिखा है मांगोगे दिया जाएगा, और पिता जब भी आपके नाम से आपके हजूरी में मांगा गया और आपने दिया है, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवन सामर्थ्य और मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। अपने हाथों को उठाएं सब, अपनी आंखों को बंद करें, आखिरी प्रार्थना में बोले अब खुदा बाप आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह आपका फजल पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता हम सब के साथ आपके तमाम ईमानदारों संतों सेवकों के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, अंकुर नरुला मनीष के साथ, अब से लेकर आपके होने वाली आखिरी आमद तक होती रहे, आमेन 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 आमेन। ऊंची आवाज बोले आमेन आमेन। तारीफ करें सब ब्रांचेस, थैंक यू जीसस, जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, आप सब ब्लेस्ड हैं। तो लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी में बने रहें, परमेश्वर आप सब से प्रेम करते हैं, गॉड ब्लेस यू सबको, जय मसीह की।